और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? मैं हूँ दिव्य चौहान, स्वागत है आपका पढ़ाईपुर 101 की वीकली रिपोर्ट में। और आज हम लोग देखेंगे 22 से लेके 31 मार्च। हालांकि ये 7 दिन से ज़्यादा है, बट पूरे मार्च को कवर किया है इसमें, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए, 22 मार्च को क्या क्या मेन मेन टॉपिक्स थे उनको हम लोग देखते हैं। तो मिजोरम सीएम होल्ड्स मीट विथ म्यांमार मिनिस्टर। तो 22 तारीख को मिजोरम के जो सीएम हैं जोरमथंगा, उनकी वहाँ मीटिंग हुई म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर, एक्साइल गवर्नमेंट, जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए थे उस गवर्नमेंट के जिसको वहाँ की सेना ने हटा दिया, उसके फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई और सिचुएशन पे बात हुई जो इथनिक ग्रुप के। अब ये जो इथनिक ग्रुप है, ये म्यांमार, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जितने भी छोटे छोटे ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पीपल हैं, उनके एक अम्ब्रेला ग्रुप को बोला जाता है जो इथनिक ग्रुप। तो उनके करेंट सिचुएशन में बात हुई। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, एनएलडी, म्यांमार में जो एक्साइल गवर्नमेंट है उसका नाम है, जिसकी जो लीडर थी वो आंग सान सू की थी, उनको 1 मार्च को मिलिट्री कूप में वहाँ से हटा दिया गया था। अब सेंटर और मिजोरम जो था वो इस इशू पे आमने सामने था, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार का 510 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो पोरस है, मतलब उधर से आना जाना हो सकता है। तो सेंटर ने बोला था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना है कि वहाँ से रिफ्यूजी इंडिया में नहीं आ सके। और मिजोरम का स्टैंड ये था कि उधर के जो लोग हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। हालांकि इंडिया जो है वो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सिग्नेटरी नहीं है, जो कि बोलता है कि जो रिफ्यूजी है उनको एसाइलम देना है। तो इसके कारण हम लोग म्यांमार को एसाइलम नहीं देंगे, और ना ही एक स्टेट को पावर है किसी कंट्री के पीपल को, फॉरेनर को रिफ्यूजी का ट्रीटमेंट देने का, वो सेंटर करती है। तो इसमें मिजोरम और सेंटर आमने सामने है, तो ये देखना पड़ेगा। फिर एक आता है राइट ऑफ एन एक्यूज्ड, राइट टू काउंसल इन कस्टडी। अब जो कैदी होते हैं या फिर जो कन्विक्ट होते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, तो उस पर आर्टिकल है। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अफर्म राइट ऑफ एन एक्यूज्ड, जो इंटरनेशनल जो हर एक मुजरिम को जो राइट्स मिलते हैं वो है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ रीज़न फॉर द अरेस्ट, किस लिए अरेस्ट किया गया, चार्जेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कौन कौन से चार्ज हैं, टू बी प्रोवाइडेड विथ लीगल असिस्टेंस, उसको वकील की सुविधा मिले। जब कसाब को वकील मिला तो उस समय माइंड में ये याद आता कि वो तो आतंकवादी है, उसको सीधा फांसी दे दो, वकील क्यों मिला? और जो वकील है उसको भी मैंने आतंकवादी समझता था कि वो आतंकवादी है क्या जो आतंकवादी का केस लड़ रहा है। बट ये प्रोटोकॉल है कि उसको भी हक है कि वो अपना वकील रख सके, तो ये प्रोटोकॉल है। और मिरांडा राइट्स, ये यूएस का है, जो कि पुलिस ऑफिसर को ये बोलता है कि आप किसी को भी अगर सस्पेक्ट को आपने अरेस्ट कराया है तो उसको उसके लॉयर से बात कराइए, और जब आप उसको इंटरोगेट कीजिएगा तो उस टाइम लॉयर उसके पास रहेगा। इंडिया में भी कुछ इस तरह के लॉज हैं, जैसे आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, ये बोलता है कि कोई भी नो एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, उसको जोर जबरदस्ती से खुद के खिलाफ गवाही हम लोग नहीं दिला सकते। आर्टिकल 22, अ पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट, कांट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज च्वाइस, उसको अपने मन से वकील करने से हम लोग नहीं रोक सकते। अब सेक्शन 41D ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, जिसके तहत सजा वजा बताया जाता है किस गुनाह का क्या सजा है, उसका सेक्शन 41D बोला है कि एक एक्यूज्ड है वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है इंटरोगेशन के दौरान, लेकिन पूरे इंटरोगेशन में जो वकील है वो नहीं रहेगा। इंटरोगेशन के दौरान मिल सकता है बट नॉट इन थ्रू आउट द इंटरोगेशन। दो जजमेंट इसमें बेंचमार्क जजमेंट हुई थी, वो एक थी डीके बसु केस ऑफ 1997, जिसमें बोला गया था कि जो अरेस्टी होगा वो अपने लॉयर से मिल सकता है इंटरोगेशन के टाइम, लेकिन पूरे इंटरोगेशन नहीं रहेगा। और एक था सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्सेस जुगल किशोर शर्मा, जिसमें जजमेंट में बोला गया था कि अक्यूज का लॉयर जो है वो पूरे प्रोसीडिंग को दूर से देख सकता है, बीच में गिलास का पार्टीशन ये सब लोग देखते हैं, गिलास के इधर सब लोग खड़े रहते हैं, इंटरोगेशन चलते रहता है, उसी तरह का बातें नहीं सुन सकता है, देख सब कुछ सकता है, क्योंकि
हुआ ये था कि ये जो किशोर शर्मा के केस में इनसे इंटरोगेशन के दौरान जो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हुआ या क्या हुआ कि इनकी जुडिशियल कस्टडी में ही इनकी मौत हो गई थी, तो उसी पे केस हुआ था कि अगर वकील रहता तो उसको पता रहता कि उनसे किस तरह से पूछताछ की जा रही है। उनका कहना था कि बहुत हार्श तरीके से पूछताछ की गई जिसके कारण उनका हार्ट अटैक हो गया। तो ये था कि एक एक्यूज को क्या क्या राइट्स होते हैं। फिर है लीगेसी ऑफ अंगपाल टू इन दिल्ली हिस्ट्री। अंगपाल जिनकी जिनको पॉपुलरली बोला जाता था अंगपाल तोमर, ये तोमर डायनेस्टी के थे जो कि 8 से 12वीं सदी तक इंडिया में रूल करा था इन्होंने दिल्ली में। अंगपाल दो जो थे इनको बोला जाता है कि इन्होंने अपने कैपिटल को चेंज किया था अंगपुर नियर फरीदाबाद, पहले इनका कैपिटल अंगपुर नियर फरीदाबाद था जो कि अंगपाल वन जो कि तोमर डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने बनाया था, वहाँ से चेंज करके इन्होंने दिलीकापुरी जिसको अब दिल्ली बोलते हैं वहाँ पे लाया था। अंगपाल टू ने चेंज करके दिलीकापुरी को बनाया था। अंगपाल तोमर के जो ग्रैंडसन थे वो थे पृथ्वीराज चौहान जो कि हार गए थे मोहम्मद गौरी से बैटल ऑफ तराइन में, 1192 में बैटल ऑफ तराइन में वो हार गए थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, उसके पहले दिल्ली में राजपूतों का वहाँ पे सत्ता चलता था। अंगपाल तोमर को बोला जाता है कि ये लालकोट फोर्ट और अंगताल बावली बनाया इन्होंने। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, इसका एक मिशन है टू प्रेजेंट करेक्ट हिस्ट्री ऑफ पीपल। अपन लोग को जो हिस्ट्री मालूम है उस हिस्ट्री में कुछ खास चीज़ों पे एम्फेसाइज किया गया है कि दिल्ली को मुगलों ने डेवलप करा ये करा, लेकिन जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको हम लोग को नहीं बताया गया। तो हमें एक्चुअल हिस्ट्री भी जाननी है कि हमारा अपना जो एक था, हमारी अपनी जो एक कल्चर थी, हमारे जो अपने राजा लोग थे उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उसका एक मिशन है कि जो करेक्ट हिस्ट्री है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, दिल्ली को तोमरों ने बसाया था ना कि मुगलों ने, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक मिशन को किया है जिसके थ्रू वो जो करेक्ट हिस्ट्री है उसको लोगों के सामने अलग अलग मेथड से लाते हैं। फिर है विटसन रीफ। फिलीपींस गवर्नमेंट ने क्लेम कराया है कि उन्होंने 220 चाइनीज बोट एक्सपोर्ट किए हैं एट अ रीफ इन साउथ चाइना सी जो कि वाटर कंट्रोल बाय मंडीला, फिलीपींस की कैपिटल है। अब देखिए साउथ चाइना सी, ये चाइना वियतनाम मलेशिया ब्रुनेई फिलीपींस के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं साउथ चाइना सी। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम लोग साउथ चाइना सी बोलते हैं। अब इस सी पे क्या होता है कि चाइना अपना कंट्रोल बोलता है, चाइना के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो सी का एरिया है वो चाइना का टेरिटोरियल वाटर है, और ये बाकी जो कंट्रीज हैं ये भी बोलती हैं क्योंकि कोई भी अपना जो कंट्री होता है उसका अपना एक टेरिटोरियल वाटर होता है तो सब अपने वाटर पर क्लेम करती है। बट चाइना के हिसाब से ये पूरा पूरा ये जो डैश लाइन के अंदर का जो भी पार्ट है ये पूरा का पूरा चाइना का खुद का है, ये चाइना के 9 डैश लाइन पॉलिसी है। और इसको क्लेम करने के लिए चाइना वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसको वो खुद का आइलैंड बताता है, जैसे पार्सल हो गया, स्कारबोर्ग हो गया, स्पार्टली आइलैंड्स हो गया, इसको वो खुद का पार्ट बनाता है ताकि वो यहाँ पे जो रिसोर्स सबसे ज़्यादा जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो इसी जगह पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस और पेट्रोलियम का होने का ये क्लेम किया जाता है, तो इस कारण यहाँ पे काफ़ी टेंशन रहता है साउथ चाइना सी में। यूएस भी यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के सपोर्ट में आता ताकि चाइना का दबाव जो है वो कम किया सके। तो अभी हाल ही में फिलीपींस के कुछ जो वहाँ पे आइलैंड्स थे वहाँ पे चाइना के बोट्स मिले, और फिलीपींस का कहना है कि ये चाइना जो है वहाँ पे 220 बोट भेज के कब्जा करना चाह रहा था। तो ये वेसल जो है वो मनीला मेरीटाइम राइट्स को अपोज करते हैं, और फिलीपींस के टेरिटरी को जो इनक्रोच ये कर रहा है चाइना उसको ये लोग अपोज कर रहा था। जो बोट्स था वो बोला जा रहा था कि उसमें जो चाइनीज मेरीटाइम मिलिट्री के और पर्सनल थे, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे चाइनीज मेरीटाइम के। ये बोट्स स्पॉटेड ऑन 7 मार्च एट विटसन रीफ विच मनीला कॉल्स द जूलियन फेलिप रीफ। विटसन रीफ चाइना बोलती है और मनीला इसको बोलता है जूलियन फेलिप रीफ जो कि अकॉर्डिंग टू जो एस ये है जो वर्ल्ड जिसको रिकॉग्नाइज करता है ये फिलीपींस का पार्ट है। फिर आता है वर्ल्ड वाटर डे। अब वाटर जो इस बार का थीम था वर्ल्ड वाटर का वो था वैल्यूइंग वाटर।
वर्ल्ड वाटर डे हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और ये जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर पे इस बार का जो थीम था हमारा वो था वास्ट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। जो हमारा थीम हमेशा जो चेंज होता है वो होता है वास्ट के अकॉर्डिंग ही रहता है, विच इज़ द लाइन विद द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था उसका SDG 6 में था कि हम लोग को पानी को बचाना है, क्लीन वाटर को। ये यूएन वाटर डेवलपमेंट वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट WWDR रिलीज होता है हर एक साल वर्ल्ड वाटर डे पे, और वो बताता है कि पानी का कहाँ पे क्या हाल है। यूएन वाटर इज़ द कन्वीनर ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे को यूएन का जो यूएन वाटर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको देखती है, वो कराती है। द आइडिया फॉर वर्ल्ड वाटर डे वॉज पुट फॉरवर्ड जो 1992 में रियो डी जेनेरो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे SDG वगैरह आया था, ये 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। वहीं पे वर्ल्ड वाटर डे को क्वाइन किया गया था कि इस दिन 22 तारीख को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाएंगे और पूरी दुनिया को हम लोग जागरूक करेंगे ताकि वाटर का सस्टेनेबल यूज हो सके। इसी क्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रेन इंडिया में स्टार्ट किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करा। अब इसमें है कि पानी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स, कि इस बार बारिश में कहीं भी कोई भी बूंद गिरे उसको हमें बचाना है। ये इंप्लीमेंट होगा 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021, जो कि मानसून का पीरियड है, प्री मानसून और मानसून का पीरियड है। ये एक जन आंदोलन होगा जिसमें लोगों को बोला गया कि आपको वाटर को ग्रास रूट लेवल पे कंजर्व करना है। इसके लिए आप जो भी है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, है ना, घर के आसपास में गड्ढे बना के या फिर छत से जो पानी होता है उसको जो लोकल मेरा पॉन्ड है वहाँ तक ले जाके, कि पानी बर्बाद ना जाए, सब कुछ पानी स्टोर्ड हो, ये करना है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके इस इवेंट के बाद ग्राम सभा किया जाएगा हर एक ग्राम पंचायत में, वहाँ के लोगों को डिस्कस करना है रिलेटेड टू वाटर, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो ग्राम सभा विल ऑल्सो टेक जल शपथ फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो इससे एक होगा कि लोगों के बीच में अभी अगर ये इस जो अभी हमारा जो ये मिशन चल रहा है इसके लोगों को वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स पता चलेंगे, बेनिफिट पता चलेगा। ग्राम सभा में जब डिस्कशन होगा तो लोग पहले तो वाटर कंजर्व कर चुके हैं कुछ लोग, फिर ग्राम सभा में जब डिस्कशन होगा तो उनका और जो होगा इस पर क्लैरिटी आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में। फिर उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इनको सब जानते हैं, इनका बर्थ एनिवर्सरी था शहनाई मास्टरों का, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का, 21 मार्च 2021 को। अब इनका जो शहनाई का कंट्रीब्यूशन, ये ग्लोबल स्टेज पे शहनाई को ले गए थे। बिस्मिल्ला खान को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में इन्होंने शहनाई बजाई थी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान हु ऑल्सो प्लेड शहनाई एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950। 1950 को जो पहला हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था तो इन्होंने लाल किले पे भी बजाया था। बिस्मिल्ला खान वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल। ये लिंकन सेंट्रल हॉल जो है वहाँ पे बिस्मिल्ला खान का हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म करा था। इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। 2001 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये था 22 मार्च, अपन अब देखते हैं 23 मार्च को क्या क्या हुआ था। 23 मार्च, 23 मार्च को इंडिया शहीद दिवस मनाता है। 23 मार्च ये वो दिन था जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा, मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। ये भगत सिंह का लिखा हुआ है। शहीद दिवस हम लोग इंडिया में 2 दिन मनाते हैं, एक 23 मार्च, एक 30 जनवरी। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अब ये 1931 में इन लोगों को फांसी दिया गया था लाहौर जेल में। टू मार्क दिस सेक्रीफाइस दिस डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया एंड ट्रिब्यूट्स आर पेड टू द फ्रीडम फाइटर्स। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वेयर इन देयर अर्ली 20s व्हेन द ट्राइब सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर नेशन। इसको हम लोग उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हर एक साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं।
अब लाला लाजपत राय जो कि ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा अटैक कर दिया गया था लाठीचार्ज के दौरान, उनके सर पर चोट लग गई थी और ये सबसे लंबे नेता थे और इनकी ना उस टाइम जो सर पर चोट लगने के कारण इनकी मौत हो गई थी। और इनके मौत का बदला लेने के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये लोग जेम्स एस्कॉट जो ऑफिसर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था उसकी हत्या कर देंगे। बट कन्फ्यूज़न में जे स्कॉट की जगह ये लोग सैंडर्स जॉन पी सैंडर्स को मार देते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर ही था। उसके बाद इन लोग को पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। अब शहीद दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें रिमाइंड कराता है सेक्रीफाइस मेड बाय द प्रीवियस जनरेशन फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। द फ्रीडम फाइटर हु वेयर हैंग्ड ऑन दिस दे वेयर यंग बट दे डिसाइडेड टू फेस डेथ इन ऑर्डर टू इंस्पायर अदर्स टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इनका जो मरना था, ये काफ़ी यंग है जो मर गए, तो ये जो मरे ये मरे नहीं, ये शहीद हुए ताकि ये आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सके ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ सकें। तो ये दूसरों को इंस्पायर करने के लिए खुद की जान उन्होंने न्यौछावर कर दी थी। फिर ये था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। अब इनका क्या है कि ये लोग केन और बेतवा रिवर को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले हैं। ये प्लान है जो कि 22 मार्च को प्लेस होगा। ये उत्तर प्रदेश, सॉरी ये मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे जो केन बेतवा लिंक है, ये बेतवा रिवर है और इधर की केन रिवर है पन्ना के पास, इसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा केन रिवर है, ये केन रिवर है, ये बेतवा रिवर है और इसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो यही लिंकिंग की बात चल रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करेगा ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा रिवर। केन रिवर का जो पानी है उसको बेतवा रिवर में डाइवर्ट किया जा रहा है। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेगा दुधन डैम और कैनल लिंकिंग टू रिवर्स, उसके लोअर ओर प्रोजेक्ट, कोथा बैरेज, बीना कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कुछ इस पे स्ट्रक्चर्स बनेंगे ताकि पानी को हम लोग यहाँ केन से बेतवा में ट्रांसफ़र कर सके। इसके थ्रू 10.62 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है उसका इरिगेशन होगा। ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा 62 लाख पीपल को और ऑल्सो 103 मेगा वाट का हाइड्रो पावर को भी जनरेट किया जाएगा क्योंकि डैम बन रहा है, तो वहाँ पर टर्बाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो रीजन जो प्रोजेक्ट होगा ये बुंदेलखंड रीजन आता है। ये रीजन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का रीजन है बुंदेलखंड, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। ये सारा है मध्य प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के जो जगह आएंगे वो है बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, जो कि बेनिफिट होगा इससे। उसके बाद वर्ल्ड समिट फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। टेलकम मिनिस्टर संजय धोत्रे, उन्होंने वर्ल्ड समिट फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS फोरम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ ICT फॉर डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये जितना भी टेलकॉम इंडस्ट्रीज है उनका एक समिट था। ये ऑर्गेनाइज किया गया था टेलकॉम यूनियन ITU के द्वारा, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के द्वारा, कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन के द्वारा था। अब इंडिया का जो सीन है, इंडिया ने वहाँ पे जाके अपना ये इस कॉन्फ्रेंस में लोग बताते हैं कि वो लोग टेलीकॉम क्षेत्र में और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। तो इंडिया के मिनिस्टर ने वहाँ पे जाके मेंशन किया अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि भारत नेट आया, जिसके थ्रू 6 लाख विलेजेस को ये लोग कनेक्ट करने वाले हैं जो कि 4 लाख किलोमीटर का लेंथ होगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ताकि ये लोग वाईफाई से कनेक्ट हो सके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होगा। और मेन फोकस है कि अगर हम लोग किसी को भी वाईफाई इनेबल्ड कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में इनेबल कर रहे हैं ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड में आगे की तरफ बढ़ सके। तो भारत नेट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा सबमरीन केबल नेटवर्क। सबमरीन केबल नेटवर्क ये होता है कि समुद्र के नीचे से जो केबल नेटवर्क जाएगा इसके थ्रू स्मॉल और रिमोट आइलैंड्स हैं जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के, वहाँ तक भी कनेक्टिविटी को पहुँचाया जा रहा है जिसको गवर्नमेंट फंड कर रही है भारत नेट के थ्रू। उसके बाद ये ITU एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर को अलग अलग जगह पे सेटअप किया जा रहा है। एकेडमिया, स्टार्टअप्स, जो भी रीजन्स है जो विल
गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेस्ड सुटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप्स को कोलेबोरेट किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो रूरल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिया गया, जिसमें जो मेन मेन थे वो है प्रियदर्शन की मराकर, अरब की दान तलाई सिंघम जो कि था कि शेर ऑफ लायन ऑफ अरब ओशियन मराकर, उसको बेस्ट फीचर फिल्म किया गया. संजय पूरन सिंह चौहान, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ठीक है, भातर होराइन के लिए. उसके जो मोहन मराकर थे वो मोहनलाल की मूवी है जिसको लायन ऑफ अरेबेंसी बोलते हैं, जो कि एक पीरियड ड्रामा है 16th सेंचुरी का, मलयाली नेवल चिफ्टेन जो फाउट किया था पुर्तगीज इन्वेशन का. मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए और धनुष को मिला असुरन के लिए. कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर मणिकर्णिका एंड पंगा. सिक्किम को मिला अवार्ड फॉर बीइंग मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट. छिछोरे को मिला था बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड. तो ये फेस्टिवल जो ये अवार्ड है इसको 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फिल्म अवार्ड्स. और जब 1954 में ये अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया था और इसको गवर्नमेंट के अंदर लिया गया था 1973 में. फिर है गांधी पीस प्राइज. गांधी पीस प्राइज 2019-2020 अनाउंस किया गया. 2019 का गांधी पीस प्राइज दिया गया था जो लेट है हिज मेजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, जो कि ओमान के जो सुल्तान है उनको दिया गया था. 2020 का दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को. फिर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस UNOPS, ये एक यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके यूनियन गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी. वो जल जीवन मिशन इसमें वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया जा रहा है. अब जो इसका पर्पस है UNOPS और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क का कि ये जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो देंगे कि किस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व करेंगे, उसका टेक्निकल सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड कराएगा. UNOPS शैल बी फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूटिंग स्केलेबल डिलीवरी मॉडल टू फोकस 11 वाटर स्कार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन बुंदेलखंड एंड विंध्या रीजन. बुंदेलखंड और विंध्या रीजन में जो एरिया जहाँ पे पानी की कमी है 11 एरिया को इन लोगों ने फोकस करने के लिए इन लोगों ने मार्क करा है. अब जल जीवन मोशन मिशन का जो फंक्शन है कि ये हर एक घर में टैप वाटर 2024 तक देना है और ये यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में भी आता है कि जो पानी है वो हर एक तक पहुँचना चाहिए. जो UNOPS है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑपरेशनल आर्म है जो कि किसी प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट जो कि बेनिफिशियल है मास पीपल के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है गवर्नमेंट का उनके साथ पार्टनर करके अराउंड द वर्ल्ड. ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल जो हेडक्वार्टर है ये UN सिटी कैंपस इन कोपेनहेगन डेनमार्क में है. UNOPS इज एस्टेब्लिश्ड इन 1973 एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गया 1995 में. अब देखते 24 मार्च. 24 मार्च को था कि जो कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो था एवरी पर्सन अबव एज ऑफ 45 इयर्स इज एलिजिबल फॉर वैक्सीन फ्रॉम अप्रैल 1. 1 अप्रैल से जो भी 45 साल से ज़्यादा के हैं उनको वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ज़्यादा इसका खतरा कम होगा. फिर था कि कोविड के कारण जो वर्कफोर्स था उसमें काफ़ी कमी आई खासकर महिलाओं में. फिर लक्षित बोरफुकान. अब लक्षित बोरफुकान जो ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरो ऑफ असम थे उसकी उनके बारे में खबर है. ये एक जनरल थे ड्यूरिंग 13th सेंचुरी पीरियड ऑफ अहोम डायनेस्टी, वहाँ पे जो अहोम डायनेस्टी थी उसके जनरल थे. इनको बेस्ट ही इज बेस्ट नोन फ्रॉम बैटल ऑफ सरायघाट जो कि 1671 में हुआ था, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे हुआ था, वेयर ही बीट्स मुगल. लक्षित दिवस वॉज बींग सेलिब्रेटेड ऑन 24 नवंबर. लक्षित दिवस जो होता है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है. NDA जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है वहाँ पर लक्षित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है जो कि बेस्ट ग्रेजुएट कैडेट होता है उसको दिया जाता है. बिहार स्पेशल पुलिस बिल 2021 पे
एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो ये बिल था जो कि बिहार मिलिट्री पुलिस को स्पेशल आर्म फोर्स में कन्वर्ट करेगा उसके नाम को, जो कि CISF की तरह जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। अब इस बिल के सेक्शन 7 में था कि इट इम्पावर्स न्यूली कंस्टिट्यूटेड फोर्स टू अरेस्ट एनी पर्सन एंड सर्च एनी वंस प्रिमाइस विदाउट वारंट। इनमें पावर दिया गया था कि ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं शक के बिना पे, किसी जगह को भी ये सर्च कर सकते हैं शक के बिना पे। और इसी सेक्शन के वजह से वहाँ पे काफ़ी जो इस बिल के खिलाफ हल्ला मचा, बट ये बिल पास हो गया। जो BMP है अभी उसकी 21 बटालियन बिहार में है, जो कि अब बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स कहलाएंगी। एक न्याय योजना जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जो कि कांग्रेस ने केरला में गारंटी दिया है कि वो हर एक आदमी को हर मंथ 6,000 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे देगा खर्च करने के लिए। तो ये न्याय योजना है, इसका विज़न है कि अगर मनी रहेगा तो एक ऐसा सिस्टम इकोसिस्टम क्रिएट होगा, पैसा है तो लोग खरीदारी करेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह के विज़न से वहाँ पे न्याय योजना का शुरुआत मैनिफेस्टो में है। फिर दर्पण पोर्टल, ये नीति आयोग ने 2016 में इसको लॉन्च करा था, जिसमें बोला गया था कि ये मैंडेटरी होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स में छूट मिलेगी। अब 1 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस पे हो चुका हुआ है, जो कि जो भी इस पे रजिस्टर्ड है उसको अपना पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है कि उसको कौन सा, कहाँ से उसको कितनी फंडिंग आ रही है, पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, जो बाहर से फॉरेन से उसको फंडिंग आ रही है वो कैसे आ रही है। तो ये दर्पण पोर्टल सिंपली है कि अगर कोई भी NGO है या फिर वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से पैसे ले रही है वो इस पर रजिस्टर्ड होगी, और जो पैसे आएंगे उसका लेखा जोखा इस पोर्टल पर भी रहेगा। तो ये मेनली था कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी और काम के लिए और उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर एंटी सिक्योरिटी रीजन, एंटी नेशनल रीजन्स के लिए यूज़ हो रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उसको ये सब कंट्रोल करने में एक ये भी काम आएगा। फिर अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2021 और द नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल पास कर देगा लोकसभा में। अब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट NBFID, ये एक कॉरपोरेट बॉडी है जो कि ऑथराइज, इसको 1 लाख करोड़ का जो कैपिटल है वो दिया जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि ये पैसे कर्ज देगी, इन्वेस्ट करेगी या दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लोग आके पैसे लगा सकें। अब ये जो मार्केट में ये बॉन्ड इशू करके, लोन इशू करके है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगी। तो ये जो NBFID है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये बनाया गया है। फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये ओरिजिनल भी 1971 में था, जो बोला था कि आपकी कौन कौन से कंडीशंस में आप एबॉर्शन करा सकते हैं। तो उसी में ये जो था मेडिकल टर्मिनेशन का अमेंडमेंट किया गया 2021 में, और सबसे अच्छी बात थी कि इसमें रिप्लेस किया गया जो ओरिजिनल बिल था उसमें था कि एनी मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड विथ, जो पहले था कि जो वुमेन होनी चाहिए वो मैरिड होनी चाहिए और उसका जो हस्बैंड होना चाहिए दोनों का कंसेंट होना चाहिए, और अभी इसको चेंज कर दिया गया एनी वुमेन, जो ही नहीं कि वो शादीशुदा ही हो, और हर पार्टनर, जो ही नहीं कि उसका पति ही हो, वाइल कंटेम्पलेटिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। अब कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर का मतलब जो भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी को रोक सकें, उसको अगर वो फेल कर जाए और प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए तो आप उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। पहले था कि ये मैरिड होना चाहिए वरना इलीगल होता था, बट अब उसको चेंज कर दिया गया कि कोई भी वुमेन हो जो इन्हें की शादीशुदा ही हो और उसका पार्टनर हो जो कि कंट्रासेप्शन फेलियर के वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई हो, तो उसको अब टर्मिनेट किया जा सकता है। हालांकि टर्मिनेट करने का जो टाइम लिमिट उसको भी चेंज किया गया, उसके 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ गेस्टेशन, मतलब जब पहला जो था कि वो 12 महीने तक का जो था उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते थे, अब उसको बढ़ा के 12 से 20 वीक, 12 महीने सॉरी, 12 से 20 वीक, 12 सप्ताह से 20 वीक तक का टर्मिनेट हो सकता है। उसमें एक डॉक्टर का ओपिनियन का जरूरत पड़ता है कि डॉक्टर बोले कि हाँ ये टर्मिनेशन किया जाना चाहिए। और सेकेंड कैटेगरी है ये जब गेस्टेशन पीरियड हमारा 20 से एक्सीड कर जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं,
मतलब 20 से 24 के बीच में रहे, और उसमें दो मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिशनर्स का ओके चाहिए, तब वहाँ पे हम लोग टर्मिनेशन को वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले जो लिमिट था ये 20 तक था, अब ये 20 से लेकर 24 तक कर दिया गया। तो पहला जो पीरियड है 12 से 20 के बीच में है, जिसमें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ओके चाहिए, और सेकेंड जो है वो 20 से लेके 24 के बीच का है, जिसमें दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का चाहिए। फिर था लिंकिंग रिवर्स इन बुंदेलखंड। अब ये केन और बेतवा रिवर को कनेक्ट किया गया, दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो एनुअल एडिगेशन होगा वो 10.62 लाख हेक्टेयर एरिया का हो जाएगा, 62 लाख पीपल को पीने का पानी मिलेगा उस एरिया में, और 103 मेगावाट के हाइड्रो पावर मिलेगा, 27 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी लगने वाला है इसमें। ये जो बुंदेलखंड है ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है, जो यूपी और एमपी के, जिसमें पन्ना, तिकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, विदिशा, शिवपुरी, बांदा और रायसेन ये मध्य प्रदेश के हैं, महोबा, झांसी, ललितपुर ये सब उत्तर प्रदेश के जगह हैं। हाँ, ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से ही पास करेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ये सब कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जो भी करंट टॉपिक चलता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे बुंदेलखंड से जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है ना, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सेबी है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आइगर, सिंजियांग इशू। अब जो यूरोपियन यूनियन है, जैसे यूएस और ब्रिटिश, कनाडा, इन्होंने बहुत सारा सैंक्शन लगाया है चाइनीज़ ऑफिशियल और एंटिटीज़ पे, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है आइगर मुस्लिम्स जो हैं, जो कि माइनॉरिटी है सिंजियांग प्रोविंस में। अब ये जो सैंक्शन लगाया गया ये क्यों लगाया गया, तो उनके ट्रैवल कैसे लगाया गया, तो ट्रैवल बैन किया गया, उनके एसेट्स को फ्रीज किया गया। हालांकि इसके रिटेलिएशन में जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट किया जा रहा है। तो ये सिंजियांग जो प्रोविंस है, अब वहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में था, तो चाइना उनका बहुत ज़्यादा शोषण करता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में जो आइगर मुस्लिम है वो तुर्की डिसेंट के हैं। कुछ पिछले साल से यहाँ पे जो हान चाइनीज़ है, जो चाइना के लोकल जो पीपल हैं उनको हान चाइनीज़ बोलते हैं, वो सिंजियांग में जाके सेटल होने लगे, और उसके बाद उनमें और आइगर मुस्लिम के बीच में वायलेंट क्लैश हुई। अब चाइना को ये एक्यूज़ किया जाता है कि वो डी मुस्लिमाइज कैंपेन चला रहा है, वो मुस्लिमों को डी मुस्लिमाइज कर रहा है और बुद्धिस्ट बनाने के चक्कर में। और ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल टॉर्चर किया जा रहा है, पीपल को सेंड किया जाता है वहाँ पे एक्सट्रीम, वहाँ कंसनट्रेशन कैंप टाइप का बना के उन लोगों को, वहाँ पे अगर किसी ने दाढ़ी रखी या फिर कोई रमजान कर रहा है, अगर ईद की ग्रीटिंग कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अब ये सब तंग हो रहा है, और इसका दोस्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान को शर्म करना चाहिए, बट वो तो बेशर्म है। फिर आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 24 मार्च 2021 को मनाया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। 2025 इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक टीवी मुक्त हो जाना है, और वर्ल्ड का है 2030 तक। फिर है फ्रीडम पाइनएप्पल। ये फ्रीडम पाइनएप्पल एक कैंपेन है जो कि ताइवान में चल रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो चाइना और ताइवान है उनका जो आपस का संबंध है वो ज़्यादा अच्छा है नहीं, बहुत ज़्यादा टेंस है। या देखिए चाइना और ताइवान है, तो जो मार्च 1 को चाइना ने बैन कर दिया था पाइनएप्पल, जो कि ताइवान में बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल होता है जिसकी वो एक्सपोर्ट करता है, तो उसको बैन कर दिया गया। बोला गया कि इसमें हार्मफुल क्रिएचर्स है, इसको नहीं खाना है। चाइना इसका सबसे ज़्यादा कंज्यूमर था, तो चाइना ने इसको बैन कर दिया था कि इसको, चाइना का ये आदत है वो जो भी देश होता है उसको पैसे के मामले में तंग करने का। अब चाइना के इस कदम से ताइवान को बहुत गुस्सा आ गया। अब चाइ वहाँ का जो इंपोर्ट करने पे, अब ये जो मूव है ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है, ताइवान को वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करता। और वहाँ के जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं साई यांग वेन, उन्होंने पाइनएप्पल चैलेंज सोशल मीडिया पे डाला, और वो चाइनीज जो भी ताइवानीज जो कंज्यूमर्स हैं उनको उन्होंने बोला कि आप पाइनएप्पल के साथ में फ़ोटो वोटो पोस्ट करके ऐसे में वो चाइना को काउंटर करने के लिए। अब चाइ ताइवान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो भी लाइक माइंडेड पीपल है, जो भी उनके दोस्त हैं, उनको सपोर्ट करने को बोला, #ताइवान और #FreedomPineapple यूज़ करके सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने के लिए।
अब आखिर ऐसा चाइना और चीन के बीच में क्या है? तो ताइवान और चाइना जो है, चाइना का एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जिसमें जो बीजिंग है वो बोलता है कि ताइवान है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ताइवान जो है वो एक डेमोक्रेटिक और सेल्फ रूल्ड कंट्री है जो कि खुद को चाइना का पार्ट नहीं मानती। अब ये जो दो पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में अलग अलग, लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को ताइवान ना कह के चाइनीज तैपेई कहता है और ये बोलता है कि ये इंटरनेशनली इसका जो रिकॉग्निशन है उसको ख़त्म किया जाए। अब हुआ ये था कि चाइना में जो सिविल वॉर्स हुए थे, तो 1949 में जो सिविल वॉर्स का जो एंड हुआ था, तो उस टाइम वहाँ पे जो दो पार्टी थी, एक थी कुओमिंतांग पार्टी KMT, उसको वहाँ से चाइना के मेनलैंड चाइना से उसको भगा दिया गया था, और वो लोग भागे कहाँ गए थे, वो लोग ताइवान चले गए थे। तो जो मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने रूल किया, और जो जो KMT थे वो चले गए ताइवान में, उन्होंने ताइवान में रूल किया। तो वो ताइवान को अपनी कंट्री मान के वहाँ पे उसको रूल करते थे। जो लेटर जो मेनलैंड चाइना था उसका नाम पड़ा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान था उसका नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना। बाद में जो ताइवान था उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से चेंज होकर ताइवान हो गया, बट ऑफिशियली अभी भी रिपब्लिक ऑफ चाइना यूज़ होता है। तो ये 1949 तक चाइना का पार्ट था, बट उसके बाद से ये अलग कंट्री है। तो इन दोनों के बीच वही क्लैश चलता है, चाइना इसको अभी भी अपना प्रोविंस मानता है। तो ये था 24 मार्च, अब हम लोग देखेंगे 25 मार्च का। अब 25 मार्च को आया डबल म्यूटेंट वेरिएशन, वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का में अब दो म्यूटेशन वाला नया वेरिएंट पता चला, उसमें दो दो म्यूटेशंस है। अब ये डबल म्यूटेशन जो डिटेक्ट हुआ है, ये ऑलरेडी पहले से तीन म्यूटेशन वाला, तीन अलग वेरिएंट UK, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से आ चुके हुए हैं। अब ये जो नया है ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ है। अब ये जो डिटेक्ट होता है म्यूटेशन, ये होता कैसे है? तो RNA स्ट्रैंड ऑफ द वायरस विल रिप्लिकेट एंड विल मेक मिस्टेक। जब भी वायरस जो होता है वो रिप्लिकेट होता है, एक वायरस से दूसरा वायरस बनता है, तो उस टाइम जो RNA होता है जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, RNA और DNA क्या होता है, ये एक्चुअली हम लोग के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि जब हमसे जो आएगा जो जनरेशन है उसमें हम लोग अपने ट्रेड्स को वे फॉरवर्ड ले जा सके। तो तभी तो आदमी का जो बच्चा होगा तो उसके अंदर वो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ही ट्रेड्स होंगे। तो उसी तरह जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसमें वायरस जो खुद से टूट के दो अलग अलग वायरसेस बनता है, तो उसमें RNA क्या होता है, RNA की कॉपिंग होती है, तभी तो दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे। बट इस कॉपिंग में क्या होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है हमेशा, है ना, एरर होता है। अब इस जो एरर के वजह से, जो मिस्टेक्स होता है, इसके वजह से म्यूटेशंस के कारण वहाँ पे म्यूटेशन आती है, इसके वजह से वेरिएशन आता है ना। कॉपिंग में कुछ एरर हुआ तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गया। अब इसी वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग पता करते हैं तो अलग अलग वेरियंट आ गया, नया वेरियंट आ गया, तो नया वेरियंट कहा गया, इसका अंदर नहीं कि फिर से नया वायरस आ गया, वायरस पुराना ही है, उसके RNA के जो कॉपिंग हुई उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ डिफरेंस आ गया, ये एरर की वजह से होता है। अब RNA होता है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी जो दो वेरिएशन आया, ये पहला वेरिएशन का नाम है E484Q, जो कि इसको एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन को स्केप करता है, ये एंटीबॉडी से बचाता है। और दूसरा वेरिएशन है वो है L452R, ये इसका जो इनएक्टिविटी एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इनएक्टिविटी, ये वायरस की इनएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह का कुछ दो वेरिएशन है जो कि पाया गया है इस वायरस में। फिर है नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऐसे बॉबडे हैं, इन्होंने जस्टिस NV रमना को नेक्स्ट CJI के लिए जो रिकमेंड किया है। ये जो NV रमना है ये 48 CJI होंगे, जो कि 26 अगस्त 2022 तक ये सर्विस देंगे। अब इनका एक प्रोफाइल है, 27 अगस्त 1957 को इनका जन्म हुआ था, है ना, आंध्र प्रदेश में, 10 फरवरी 1983 को ये एडवोकेट बने थे, 27 जून 2000 को इनको अपॉइंट किया गया था आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट का जज, 10 मार्च 20 मार्च 2013 के बीच में ये
चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट थे। फिर 2 सितंबर 2013 को एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। फिर 17 फरवरी 2014, ये ज़रूरत का है नहीं, बस एन वी रमन्ना याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट, सीजे अपॉइंट कैसे होता है, ये ज़रूरत का है। तो आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 124 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के अपॉइंटमेंट का हम लोग देखते हैं। बट देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस। अब 124 में तो है कि जजेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को करने के लिए अपने पास कुछ है नहीं। अब चीफ जस्टिस जो होना चाहिए, तो वो सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बनेगा। लॉ मिनिस्टर जो है वो इनको बनाते हैं। लॉ मिनिस्टर जो को रिकमेंडेशन देखना पड़ता है, जो अभी के जो सीजेआई हैं उनका रिकमेंडेशन क्या है। अब अगर डाउट के केस में, फिटनेस के केस में, इन केस ऑफ डाउट अबाउट द फिटनेस ऑफ सीनियर मोस्ट जज टू होल्ड ऑफिस ऑफ सीजेआई कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर जज अंडर आर्टिकल 124 टू टू बी मेड। अगर जो सीनियर मोस्ट जज है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है ना, वो नहीं अगर सही से वर्क को कर पाए, इन दैट केस हम लोग आर्टिकल 124 क्लॉज 2 को यूज़ करके दूसरे जजेस को हम लोग सीजेआई बना सकते हैं। लॉ मिनिस्टर को जो भी रिकमेंडेशन होगा वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब जो सीनियरिटी होती है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा जज सीनियर है, तो ये एज वाइज नहीं होती है। ये होता है कि एपेक्स कोर्ट में वो कितने दिन से जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो कितने दिन से वर्क कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जज होते, ये देखा जाता है कि कौन सीनियर है। अगर दो जज सेम डे को सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो उस केस में जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, हु वाज स्वॉर्न इन द फर्स्ट एज द जज, वो दूसरे से जीत जाएगा। इफ बोथ वर स्वॉर्न ऑन द सेम डे, अगर दोनों ने सेम डे में किया तो देखा जाएगा कि किसने हाई कोर्ट में ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिस किया है, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और थर्ड होता है कि एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम बेंच वुड ट्रम्प इन सीनियरिटी ओवर एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम बार। अगर कोई बेंच किसी को रिकमेंड करती है तो वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, अगर कोई बार उनको अपॉइंट करती है उस बेसिस पे। तो ये था कि सीजेआई को हम लोग करते कैसे हैं अपॉइंट। जो टेन्योर होगा ये 65 ईयर्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, इनको जब सीजेआई हम लोग बनाते हैं तब से लेके 65 साल तक के बीच में ये लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द एससी जज इंक्लूडिंग सीजेआई टू बी मूव्ड ओनली थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। अब सीजेआई को हटाते कैसे हैं, तो इनके लिए इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाता है, उसके बाद ही ये हट सकते हैं। ऐसे ये लोग नहीं हट सकते कि डायरेक्ट कोई हटा दे, वैसा नहीं होता, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये था जजेस का। उसके था कि थैलियम को यूज़ किया गया था टू किल इन लॉज। अब थैलियम पॉइजनस होता है, अब इसको क्या करते हैं, खाना में मिला के दे देते हैं और ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद ये बॉडी के न्यूरो सिस्टम पे अटैक करता है, उसका कोमा में भेजता है और अल्टीमेटली मौत हो जाती है। फिर था एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये बिल को पास कर दिया गया है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ के जो गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको ज़्यादा पावर देगा वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट से, तो इसको पास कर दिया गया। ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, इसको लोकसभा में पास कर दिया गया, जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बिल है। अब ये जो था, इंडिया में जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है वो है 154:1, मतलब 854 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है, जो कि WHO के लेवल से काफ़ी कम है। अब ये जो पास किया गया क्लॉज 14 विल प्रोवाइड्स फॉर अ 2-ईयर टेन्योर ऑफ चेयर पर्सन। अब ये जो बताया कि इन लोगों का जो ग्रुप जो बिल है, इसके थ्रू 2 साल के लिए चेयर पर्सन और वाइस चेयर पर्सन इस कमीशन में नियुक्त किया जाएगा, ताकि इन लोगों का देख सके, हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनका जो कमीशन बनेगा, उसका जो चेयर पर्सन होंगे और वाइस चेयर पर्सन होंगे 2 साल के लिए चुने जाएंगे, और 2 टर्म्स ये और यूज़ अपना कर सकते हैं। मतलब एक आदमी 3 टर्म के लिए इस चेयरमैन के इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है,
तो अगर वो सही से काम करेगा तो उसका टेन्योर 6 साल का होगा। ऐसा इसलिए किया गया अमेंडमेंट, पहले ये 2 साल का ही था कि कमीशन का जो भी चेयरपर्सन होगा वो 2 साल के लिए करता है, तो कुछ टाइम इलेक्शन में चला गया, चुनने में 2 साल में काम क्या करेगा। बट जब से अभी इसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया, डायरेक्ट 6 साल ना करके 2-2 साल का 3 टेन्योर कर दिया गया कि अगर अच्छा काम करेगा तो लगातार वो चुना जा सकता है और उसका टेन्योर 6 साल होगा, तो इस टाइम में वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अच्छा काम कर सकता है। फिर बंगा बंधु किसको बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को। अब उसके बाद था कि कार्गो शिप ब्लॉक स्वेज कनाल, हालांकि अब भी आज के डेट में ये क्लियर हो चुका है, बट इन्होंने स्वेज कनाल को ब्लॉक कर दिया था। अब जो शिप है ये चाइना से नीदरलैंड की तरफ जा रहा था कार्गो लेके, और बोला जा रहा है कि पुअर विजिबिलिटी और हाई विंड्स के कारण ये वहाँ पे अग्राउंड हो गया, मतलब किनारे से टकरा गया और फंस गया, इसके वजह से जाम लग गया। 100 से ज़्यादा शिप जो है वो फंसे हुए हैं स्विच कैनल, जो वो वर्ल्ड का 10 से 12% तक का वर्ल्ड शिपिंग ट्रैफिक इधर से ही जाता है। जो एवर गिवन शिप है, जो कि एक पनामा रजिस्टर्ड कंटेनर शिप है, ये रोटरडम इन नीदरलैंड्स फ्रॉम चाइना, ये रास्ते में था नीदरलैंड्स के लिए चाइना के थ्रू। 2008 में ये बना था वेसल, जो कि 400 मीटर लॉन्ग है, 59 मीटर वाइड है। ये मिसअप जो हुआ था बैड वेदर की वजह से हुआ था। इजिप्ट जो है जहाँ पे स्वेज कैनाल है, ये हेवली डिपेंड करता है, रिवेन्यू फ्रॉम कैनाल इज नाउ डाइवर्टिंग शिप टू ओल्डर कैनाल, ये काम करना। अब जो स्वेज कैनाल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्वेज कैनाल ये देखिए, रेड सी और मेडिटेरियन सी इसको कनेक्ट करता है, ठीक ना। ये इजिप्ट के पास है, ये हमारा रेड सी मेडिटेरियन सी, और यहीं पे स्वेज कैनाल है। चलिए जी, अब बोला जाता है कि ये स्वेज कैनाल सबसे जो हेवी हेवली जो यूज्ड है शिपिंग लेन वो है, 12% तक का इसमें वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम होता है। 1869 में इसको मनाया बनाया बनाया गया था, है ना, यूरोप और एशिया को ये कनेक्ट करता है। ये 150 ओडीएल वर्ल्ड कैनाल वाज कंट्रोल, पहले इसको कंट्रोल करते थे ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट, बाद में जब नेशनलाइज हुआ तो ये इजिप्ट के कंट्रोल में गया। 1956 में इजिप्ट के लीडर ने देन लीडर गमाल अब्देल नासिर इसको कंट्रोल करने लगे। ओवर द ईयर धीरे धीरे इस कैनल को और वाइडन किया गया और डिपेंड किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिप स्मूथली यहाँ पे रन कर सके। 2015 में इजिप्ट ने फर्दर जो है स्वेज कैनल को एक्सपेंड करने के लिए इनका एक प्रोजेक्ट आया, ताकि इसको डबल किया जाए। अभी क्या होता है कि वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसको और चौड़ा करना है, ताकि जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस किया जाए, कि एक शिप गया दूसरे शिप को वेट करना पड़ता है, उसको रिड्यूस किया जाए। तो 2023 तक उनका है कि वो लोग जो कैनल होगा उसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि वहाँ जो ट्रैफिक है वो दोगुना हो जाए। अब उसके बाद है कि यूएन बिगिन मॉनिटरिंग श्रीलंका। अब श्रीलंका यूएन में एक रिजोल्यूशन था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ श्रीलंका में बहुत ज़्यादा, तो यूएन उसको आप समीक्षा करेगा। जो रिजोल्यूशन है उसका नाम है प्रमोशन ऑफ रिकॉन्सिलेशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। जो 47 मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं उन्होंने इसको माना है। इंडिया और जापान 14 ऐसे कंट्री थे जिन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। 11 कंट्रीज चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया इसके रेफरेंडम के अगेंस्ट में वोट किए, बाकी ने इसके सपोर्ट में किया। श्रीलंका का कहना है कि पॉलिटिकली मूव्ड मोटिवेटेड है, और यूएन में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जानबूझ के दबाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जो चाइना श्रीलंका पे जो लगे हुए हैं आरोप, वो है कि जब सिविल वॉर के टाइम में इन्होंने जो वॉर क्राइम्स किए हैं, और जो एलटीटी सबके साथ में आर्म जो लोकल सिविलियंस है उनको जो टॉर्चर किया है, उसके बेसिस पे चाइना पे ये सब चल रहा है। अब जो रिजोल्यूशन का जो फर्स्ट टाइम 46 वर्चुअली श्रीलंका रिजोल्यूशन वाज द फर्स्ट टू बी वोटेड बाय यूजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी ई वोटिंग प्रोसीजर। ये पहला ऐसा था श्रीलंका वाला मैटर जो कि ई वोटिंग के थ्रू इसको वोट किया गया, क्योंकि कोरोना काल है। अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC के बारे में देखते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज़ एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ये गवर्नमेंट बॉडी है। इसका लोकेशन यूएन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका फाउंडेशन हुआ 2006 में।
इट रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये उसको रिप्लेस करके नया ऑर्गेनाइजेशन बना था। अब क्यों रिप्लेस करना पड़ा था, क्यों यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के जो भी मेंबर्स थे वो खुद वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो इसका UNCHR का काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसको हटा दिया गया और UNHRC का गठन किया गया। और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, ये नहीं कि मेंबर्स इसके फिक्स होते हैं, इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हर 3 साल पर चुने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड अदर थिंग्स को कंसिडर करके। इनका जो काउंसिल होता है 47 मेंबर्स का, वो हर साल चेंज होता है। अब ये काउंसिल में जो एलिजिबल होता है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल, एक बार चुनेगा आप री इलेक्शन में खड़े हो, अगर आपको बाकी देश चुनेगा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, अगर आपके ह्यूमन राइट्स सही नहीं चल रहा तो आपको वहाँ से हटा दिया जा सकता है। तो इंडिया इन UNHRC पे पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बिगनिंग जो 2019 में चुना गया था, अभी जो चुना गया इंडिया वो 2019 में चुना गया, इसके पहले इंडिया 2011 से 2014 तक था और 2014-2017 तक UNHRC का मेंबर था। फिर है जबरवान रेंज। जबरवान रेंज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पे जबरवान रेंज में जम्मू कश्मीर के फुटहिल्स में, तो वहाँ पे लोगों को विजिट करके ताकि टूरिस्ट फैक्टर को बूस्ट मिले। तो हम लोग को याद रखना है जबरवान रेंज ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के फुटहिल्स में। ये ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च 2021 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा फूल होते हैं, 64 वेराइटी होती है। जबरवान रेंज इज शॉर्ट सब माउंटेन रेंज बिटवीन पीर परांजल और ग्रेट हिमालय। पीर परांजल रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच में कश्मीर वैली इज द, ये जो जबरवान रेंज है ये कहाँ पे है, ये पीर परांजल और ग्रेट हिमालय के बीच में है, कश्मीर वैली है वहाँ पे ये लाई करते हैं। फिर एक आता है सिग्मो। अब सिग्मो क्या होता है कि ये गोवा में एक फेस्टिवल होता है जो कि एनुअल फेस्टिवल होता है, जब राइस गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ पैडी बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जैसे कि बाकी जगह लोहड़ी वैसाखी होता है उसी तरह वहाँ पे क्या होता है सिग्मो होता है, वहाँ पे क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए ये। तो कोई पूछेगा सिग्मो कहाँ का फेस्टिवल है, तो अपन को याद रखना है कि ये गोवा का फेस्टिवल है। चलिए 25 हो गया, अब हम लोग देखते हैं 26 मार्च। 26 मार्च को बबीता पुनिया केस का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए आर्मी में। अब आर्मी में क्या होता था, एक शॉर्ट कट सर्विस कमीशन में तो लड़कियों को ले लिया जाता था बट परमानेंट कमीशन में नहीं लिया जाता, वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो इसमें उनका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लड़कियों को भी इक्वल राइट्स वहाँ पे मिलने चाहिए। जो फिटनेस क्राइटेरिया होता है उसमें बोला जाता था कि जो क्राइटेरिया है लड़कियों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है और इतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड एक लड़के वहाँ तक कम्पीट नहीं कर सकती। आर्मी का था कि जो सबसे लोएस्ट स्कोर होगा बॉयज़ में उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो लड़कियों का स्टैंडर्ड होगा कि उतना उनको पार करना है तभी वो लोग चुनी जाएंगी। तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि इस तरह का जो स्टॉप करके इसको रिफॉर्म किया जाए और जो फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया है आर्मी का उसको काफ़ी डिस्टिन किया जाए लड़कियों के इसमें कितना क्या होना चाहिए, ना कि ये कि जो सबसे लोएस्ट स्कोरिंग बॉय होगा उसका जो लिमिट होगा वो गर्ल्स का लिमिट होगा, ये नहीं करना है। फिर जुडिशियल वैकेंसी, जो जजेस का संख्या में कमी है उस पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि 55 रिकमेंडेशन कोलिजियम का किया गया था लास्ट 6 मंथ्स, हाई कोर्ट 6 मंथ टू नियरली अ हाफ ईयर अगो, 1 साल 1.5 साल होने को आया, अभी तक वो जो जजेस का वैकेंसी है वो वैसे का वैसा ही है। ऑफ द पिन रिकमेंडेशन 44 वेयर मेड टू फिल वैकेंसीज इन कलकत्ता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान, पंजाब हाई कोर्ट्स में 44 वैकेंसी है। दिस रिकमेंडेशन हैव बीन पेंडिंग विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर 7 मंथ्स टू अ ईयर, ये 7 से 8 महीने से ये लोग पेंडिंग है। अब है क्या कि टोटल सेंक्शन लेंथ स्ट्रेंथ इन 25 हाई कोर्ट्स, जो हमारा हाई कोर्ट्स है 25 हाई कोर्ट है उसमें 1080 टोटल स्ट्रेंथ है, जबकि वर्किंग का बात करें तो 661 वर्किंग है विथ 419 वैकेंसी। 1 मार्च तक 661 वहाँ पे वर्किंग जजेज हैं और 419 वहाँ पे वैकेंसी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो जुडिशियल वैकेंसी है इट्स ग्रोइंग अलार्म एट द जुडिशियल गवर्नमेंट कन्वेइंग द गवर्नमेंट इट्स ग्रोइंग अलार्म। सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट को बोल रही है कि ये जो भी वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। अब अपॉइंटमेंट जज के कैसे होता है, तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2, प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं ऑन कंसल्टेंस
with such number of judges of the Supreme Court High Court as he deems necessary. ये जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. अभी अपॉइंट करने के लिए किसी दूसरे जज को ये CJI से कंसल्ट करते हैं. जो तीन जज का केसेस था 1981, 1993, 1998 में, इनके लिए कोलेजियम सिस्टम को यूज़ किया गया था. कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसमें कि एक CJI और चार सीनियर जज होते हैं. तो ये पांच लोग का एक कोलेजियम में ग्रुप होता है जो कि अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को. अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि थर्ड जज केस ऑफ 1998 में हुआ था, एक हाउ द कोलेजियम वुड रिकमेंड नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आइदर एक्सेप्ट रिकमेंडेशन. जो कोलेजियम होगा वो रिकमेंडेट करेगा कि किसको बनाना है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगा. अब प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को आइदर मानेगा या फिर उसको सेंड बैक कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए. जो रिकंसिडर्ड जो एडवाइस जाएगा वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है. तो इस तरह का है. तो जज कैसे अपॉइंट होते हैं, तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 जिसमें है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जज को. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज को विथ सच नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही डीम्स नेसेसरी. जो जो है तो उनको लगता है उस हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करते हैं. अब इनको अपॉइंट करने के लिए है ना CJI के अलावा इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना रहता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताता है इनको कि किसको जज बनाना है, उसके कंसिडरेशन पे ये लोग जज बनाते हैं. तीन जज का केस हुआ था अभी तक जो कि इंपॉर्टेंट है, 1981, 1993, 1998, जो कि बताया गया था कि कोलेजियम सिस्टम होगा जिसमें एक CJI और चार सीनियर मोस्ट जज होंगे जो कि रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है या कि उस रिकमेंडेशन को माने या फिर वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें. जब रिकंसिडर्ड वापस से उसको भेजा जाए प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ता है. फिर है MICE रोड शो. अब MICE रोड शो जो है वो मीट इन इंडिया, ठीक है, छतरपुर में हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है. यूनाइटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खुजराहो में ये स्टार्ट हो रहा है. स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये एक स्कीम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें देश का अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जगह है वो लोगों के बीच में फेमस कराने के लिए पोर्टल चल रहा है. अब स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. अब माइस रोड शो में क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज फ्रेम डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ 19 आइडेंटिफाइड आइकॉनिक डेस्टिनेशन. 19 ऐसे जगह जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो कि कंट्री के होलिस्टिक अप्रोच के लिए. अब यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा माइस रोड शो मीट इन इंडिया ब्रांड एंड रोड मैप फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिया एज माइस डेस्टिनेशन. यहाँ पे मीटिंग्स होंगे, इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन होगा. 19 ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे मीटिंग्स होंगे, इंसेंटिव्स होगा, कॉन्फ्रेंस होंगे, एग्जीबिशन होंगे, जिसमें अभी हो रहा है ये खुजराहो मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया. 36 साल कन्वेंशन सेंटर, एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है कहाँ पे, खुजराहो में, अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म. अब इस सेंटर में क्या होगा, इस सेंटर में माइस रोड शो होगा जिसमें तीन चार तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इंसेंटिव्स होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, एग्जीबिशन होता है. तो जो भी ऐसे 19 जगह है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह इस तरह से डेवलप किया जाएगा जहाँ पे ताकि लोगों का जो वहाँ पे आना जाना है उसके अमाउंट को, नंबर को इंक्रीज किया जा सके. फिर है सेकेंड ट्रांच ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग. जो कमर्शियल कोल माइनिंग है उसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, जिसके अंडर में 67 माइंस को सेल पर रखा गया है. यूनियन कोल मिनिस्टर ने इसके जो लॉन्च है उसके ऑप्शन को लॉन्च किया है. ये अभी तक का हाईएस्ट माइन है जिसको ऑप्शन पर रखा गया 67 माइंस को. अब आउट ऑफ 67 माइंस है ना ऑफर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, 23 माइंस जो है वो अंडर है CMSP एक्ट और 44 जो है वो MMDR एक्ट के अंदर है. ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और दूसरा CMSP एक्ट. अब जो कोल माइंस है ऑन ऑफर आर इस पर, जो कोल माइंस है ये 6 स्टेट में जो फैली हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश. अब रोलिंग ऑक्शन क्या होता है कि इस ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सारा एक ही बार ऑक्शन नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ जो होता है वो गवर्नमेंट बचा के रखती है दोबारा ऑक्शन के लिए. तो कोल इज द ये पहला मिनरल है जिसको रोलिंग ऑक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है. इन विच अ पूल ऑफ कोल ब्लॉक विल ऑलवेज रिमेन अवेलेबल फॉर ऑक्शन. जो
ब्लॉक्स होंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के पास ऑप्शन के लिए रहेगा। पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं करना है, पार्ट बाई पार्ट ऑप्शन करना है। अब माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन MMDR जो एक्ट है, ये रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया एंड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग एंड ग्रांटिंग माइनिंग लीज फॉर माइनिंग ऑपरेशन। अब MMDR जो अमेंडमेंट आया था वो क्या बोल रहा था कि 50% से ऊपर है तो आप उसको निकाल सकते हैं मिनरल्स को, और उसको आप बेच सकते हैं अपने यूज़ के अलावा। तो ये सब MMDR में आता है। अब ये देखता है कि माइनिंग सेक्टर में इंडिया में जो भी रिक्वायरमेंट है, किसको माइन देना है, कितना वहाँ से वो माइनिंग कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ये सब MMDR देखता है। अब CMSP जो है वो कोल माइन स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 इज़ एन एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ कोल माइंस। ये पार्टिकुलरली कोल माइंस को और वेस्टिंग द राइट टाइटल इंटरेस्ट इन ओवर द लैंड एंड माइन इंफ्रास्ट्रक्चर टुगेदर विथ माइनिंग लीज टू सक्सेसफुल बीडर। जो भी सक्सेसफुल बीडर है, जो अच्छे पैसे दे रहा है, उसको कोल माइंस को अलॉट करना, ये सब किसके अंडर में आता है? तो ये आता है कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। अब जो कोल इन इंडिया है, तो कोल इन इंडिया कहाँ कहाँ पे कोल माइंस, तो बोकारो, जरिया, ये हो गया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, तलचर, ये हो जाएगा उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, उसके बाद सिंगरेंट और नेवेली, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में सिंगरेंट और नेवेली हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में। अब जो कोल है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर वुड व्हेन लार्ज, अब बहुत ज़्यादा जो पहाड़ पहाड़ के अंदर में चला जाता है, वरीन अंदर सेडिमेंट्स जो फॉरेस्ट, तो ये जो वुड होता है ये डिकम्पोज करता है अंडर हाई हीट एंड प्रेशर, ये कन्वर्ट कर जाता है कोल में। दिस फिनोमेना ऑफ कोल बट टेक सेंचुरीज टू कम्प्लीट। अब कोल को हम लोग इसे कार्बन कंटेंट के बेसिस पे चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट क्या होता है, जिसमें 80-95% तक कोल हो, इसका बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ये इंडिया में बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, और कहाँ मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में। बिटुमिनस, ये 60-80% तक इसमें कार्बन कंटेंट होता है, ये थोड़ा इसमें जो लो लेवल ऑफ मॉइस्चर होता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका भी क्लोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई होता है, और ये कहाँ मिलता है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये मिलता है। फिर आता है लिग्नाइट, ये ब्राउन कलर का होता है, इसमें 40-55% तक कार्बन कंटेंट होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको जलाने पे धुआं ज़्यादा निकलता है, ये कहाँ मिलता है, तो ये राजस्थान में मिलता है, लखीमपुर असम में मिलता है, और तमिलनाडु में मिलता है। पीट, ये इसमें 40% से कम होता है कार्बन कंटेंट, ये लकड़ी की तरह जलता है, और ये काफ़ी पुअर क्वालिटी का कोल होता है। फिर क्लाइमेट डाटा सर्विस पोर्टल, अब इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया है 23 मार्च 2021 को। डॉक्टर एम राजीवन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने इनोग्रेट किया है क्लाइमेट डाटा सर्विस पोर्टल ऑफ IMD ऑन दैट ओकेजन। ये कैसा पोर्टल, इसमें आपको क्लाइमेट रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था 26 मार्च का, अब अपन देखते हैं 27 मार्च को क्या क्या। तो 27 मार्च को सबसे पहला खबर जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाटा के डिसीजन को कि मिस्त्री को वहाँ से हटा दिया जाए CEO के पोस्ट से, चेयरमैन के पोस्ट से, उसको बैक किया है। हालांकि पहले जो नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, उन्होंने इसको बोला था कि ये गलत है साइज मिस्त्री का, फिर सुप्रीम कोर्ट में टाटा लग गई थी, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके NCLAT के जो डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया। अब टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है फ्रॉम पब्लिक कंपनी, है ना, टाटा सन्स इनटू कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स इनटू प्राइवेट कंपनी फ्रॉम पब्लिक कंपनी। NCLAT का जो डिसीजन था कि मिस्त्री को हटाना गलत था, वो NCLAT जो था ये 2016 में अब डिसीजन दिया था कि मिस्त्री को जो फायर किया गया है वो गलत है, और इसको अभी ओवरटर्न कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सैस मिस्त्री जो थे उन्होंने रतन टाटा को 2012 में सक्सीड किया था। अब गुजरात में टू अमेंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, गुजरात में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है उसको कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये आप गुजरात का मैप देख लीजिए, रन ऑफ कच्छ, कच्छ भूज है, रन ऑफ कच्छ ऊपर की तरफ है, तो कुछ कुछ जगह हम लोग को याद रखना चाहिए, पोरबंदर कहाँ पे, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कम्बत किधर पड़ता है, रन ऑफ कच्छ किधर पड़ता है, तो ये सब याद रखना चाहिए। देखते चलना अपने को, वो देखते चलने से ना माइंड में रहता है।
अभी जो ओरिजिनल एक्ट 2003 में आया था, ये दो कैटेगरी बताता है जो कन्वर्जन नहीं होना चाहिए उसको रोकने के लिए, कि किसी गिफ्ट, कोई गिफ्ट देके आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, और दूसरा है कि कोई मटेरियल बेनिफिट मल्टी पैसे वैसे दे के, है ना, नौकरी का लालच दे के आप नहीं कन्वर्ट करा सकते। पहला था कि कोई पैसा वैसा गिफ्ट विफ्ट दे के आप नहीं करा सकते, या फिर कुछ मटेरियल बेनिफिट जमीन दे के ये सब दे के आप कन्वर्ट नहीं करा सकते कि आपको इतना जमीन मिलेगा, आप फलाने धर्म से इस धर्म में चले जाइए, इस तरह का कुछ। तो जो ये अमेंडमेंट प्रोसेस है ये कंसिडर किया जा रहा है फॉर बेटर। अब बोला गया कि द अमेंडमेंट प्रोसेस टू कंसिडर प्रॉमिस ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल एंड डिवाइन ब्लेसिंग एज एल्योरमेंट टुवार्ड्स रिलीजियस कन्वर्जन। अब लोगों का बहला फुसला के कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, इस धर्म में आपको जन्नत नसीब होगी, इस तरह का बात बोल के आप रिलीजन कन्वर्जन नहीं करा सके, एल्योरमेंट। अब ये बिल प्रपोज करेगा कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो 10 साल का जेल होगा या 5 साल का जो जुर्माना होगा, और इस तरह के केसेस को सुपरवाइज कीजिएगा, DSP रैंक का ऑफिसर इन तरह के केसेस को देखेगा। तो पहले दो था, गिफ्ट और मटेरियल बेनिफिट, अब उसमें एलिमेंट ऑफ बेटर लाइफस्टाइल को ऐड कर दिया गया। मतलब होता है कि वो जन्नत दिखाएगा, वो दिखाएगा, इस तरह का कुछ करता है तो ये सब नहीं चलेगा। फिर इंडिया बांग्लादेश, जो अभी मोदी जी वहाँ के ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पे 50 स्टार्टअप को मोदी जी ने बोला है कि आप इंडिया में आइए, वहाँ पे आप वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलिए और वहाँ का जो हम लोग का स्टार्टअप इको सिस्टम है उसमें फ्लोराइज कीजिए। और साथ ही साथ स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप वहाँ पे स्टार्ट किया गया, जो कि 50 ईयर्स ऑफ इंडो बांग्ला था इसको, ठीक है, इसमें 1000 से 1000 के लगभग में स्कॉलरशिप है जो कि बांग्लादेशी लोगों को दिया जाएगा। अब जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है वहाँ पर, उस पर भी बात चलने वाली है। अब तीस्ता वाटर डिस्प्यूट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत लंबा डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द वाटर शेयरिंग ऑफ तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग पे। अब टेंशन का बात क्या है कि जो चाइना है वो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा घुस रहा है, 1 बिलियन का वहाँ पर चाइना ने लोन दिया है ना। बांग्लादेश और चाइना के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, चाइना जो है इंडिया के साथ चाइना के संबंध अच्छे नहीं है, चाइना वहाँ का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। चाइना ने वहाँ पे 97% डिक्लेयर्ड जीरो ड्यूटी, 97% प्रोडक्ट पे एकदम जीरो ड्यूटी कर दिया है बांग्लादेश से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उस पर, ताकि वो चाइना में आराम से जाकर ट्रेड कर सके, है ना। तो चाइना जो है वो बिगेस्ट आम सप्लायर भी बांग्लादेश के, तो चाइना और बांग्लादेश के टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश बार बार बोलते हैं कि हम लोग इंडिया को नहीं छोड़ सकते, बट वी हैव टू कंसिडर ऑल द थिंग्स। अब ये मैप है, ये दिखाता है तीस्ता रिवर को, ठीक है, ये हो गया तीस्ता रिवर, ये इंडिया, और ये हो गया इधर मेघालय, और ये जाके नीचे में बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये जो है तीस्ता रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, है ना, और इसको बोला जाता है जमुना बांग्लादेश में। ये ओरिजिनेट करता है हिमालय नियर चुनथैंग, है ना, सिक्किम, चुनथैंग सिक्किम में है, और ये फ्लो करता है साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ये सिक्किम में निकलता है, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में टक्कर जाता है। तीस्ता बैरेज डैम, जो डैम बना हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है ये बैंड डैम, ये हेल्प करता है प्रोवाइड इरिगेशन फॉर द प्लेन्स बिटवीन अपर पद्मा एंड द जमुना। अब ये जो है ये इरिगेशन प्रोवाइड कराता है पद्मा रिवर, पद्मा रिवर गंगा को बोलते हैं और जमुना को। ये 1983 से नेगोशिएशन चल रहा है, 2011 में एक इंटरिम डील हुआ था जो कि बोला गया था सपोज टू लास्ट 14-15 ईयर्स, 15 साल का डील हुआ था, उसमें बोला गया था कि इंडिया जो है वो 42.5% तीस्ता का वाटर यूज़ करेगा और बांग्लादेश 37.5% वाटर यूज़ करेगा। अब बंगाल जो था अपोज दिस डील, सो इट वॉज सेल्व्ड एंड रिमेन अनसाइन, बंगाल जो था इस डील का अगेंस्ट में था। बांग्लादेश जो था उसको इक्वल वाटर चाहिए था तीस्ता रिवर से एज पर गंगा वाटर ट्रीटी, 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी उसके थ्रू इनको 50% का शेयर चाहिए था। अब दिस ट्रीटी इज़ एन अरेंजमेंट टू शेयर सरफेस वाटर एट फरक्का बैरेज नियर देयर म्यूचुअल बॉर्डर, जो फरक्का बैरेज है उस पर जो भी वाटर होगा उसका इक्वल यूज़ करने पर था। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिटेड, जब वहाँ पर विजिट किए हैं तो जनरेटेड एक्सपेक्टेशन टू टेक फॉरवर्ड द इशू बट इट स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व। हाउएवर इंडिया जो था वो स्टेट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ट्रांस बॉर्डर एग्रीमेंट इन पेंडिंग पॉलिसी मेकिंग। अब वेस्ट बंगाली
वन ऑफ द की स्टेक होल्डर ऑफ तीस्ता एग्रीमेंट एंड इज एड टू इंट्रोड्यूस द डी। अब वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज़्यादा तीस्ता का वाटर वही यूज़ करेगा, तो उसको अभी तक ये जो डील है उसको इन लोगों ने इंडोर्स नहीं करा है। अब इम्पोर्टेंस तीस्ता रिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बांग्लादेश इट्स फ्लड प्रिन कवर्स अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का 14% जो क्रॉप्ड एरिया है वो इसी के फ्लड प्लेन में आता है, और ये प्रोवाइड्स लाइवलीहुड जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये 73% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराती है। और वेस्ट बंगाल के लिए तीस्ता रिवर जो है वो हाफ डजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर ऑफ तीस्ता रिवर। हाफ डजन के लगभग में जो डिस्ट्रिक्ट बंगाल के वो तीस्ता रिवर पे पानी के रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करती है। तो ये हो गया तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, एक पार्क इन द फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क है जो कि इनोग्रेट किया गया है बाई मिस्टर सू वूक, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं, और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं दिल्ली कंटेनमेंट ऑन 26 मार्च 2021। ये साउथ कोरिया और इंडिया के फ्रेंडशिप को दिखाता है। सिविल वॉर जब हुआ था, कोरियन वॉर हुआ था, उसमें इंडिया ने साउथ कोरिया को सपोर्ट करा था, और ये जो पार्क है ये दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। अब महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो आशा भोसले को दिया गया 2020 का, उसके बाद आता है निसार। ये नासा और इसरो ने कोलैबोरेट करके एक निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है जो कि डिटेक्ट करेगा जो प्लैनेट के सरफेस पर जो मूवमेंट होगा एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एन एरिया ऑफ हाफ द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। ये अगर एक हाफ टेनिस कोर्ट के साइज को मॉनिटर किया जा रहा है तो वहाँ पे 0.4 इंच का भी अगर कोई चेंजेस होगा तो इसको ये लोग डिटेक्ट कर लेगा। जो इस तरह का सेटअप होगा इसमें रडार एंटीना रिफ्लेक्टर होगा, है ना, जो कि हमारे सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। अब निसार जो है ये SUV साइज सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि स्पेस एजेंसी US और इंडिया मिलकर बना रही है। जो निसार का जो नाम आया ये नासा इसरो और सार से मिलकर निसार बना है, नासा इसरो सार, जहाँ पे सार रिफ्लेक्ट करता है साइंथेटिक अपर्चर रडार दैट नासा विल यूज टू मेजर चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब ये जो अर्थ सर्फेस जो भी चेंजेस होगा उसको ये मॉनिटर करेगी। अब सार जो है ये हाई रिजोल्यूशन इमेज निकालती है सर्फेस की और उससे हम लोग चेंजेस को देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ प्रिसीजन द रडार, इतना ये रडार कैपेबल है कि इट कैन पेनिट्रेट क्लाउड्स, है ना, ये बादल के पार जा सकता है, डार्कनेस में देख सकता है, तो जो डाटा कलेक्ट करेगा ये काफ़ी ऑथेंटिक डाटा होगा। अभी जो पार्टनरशिप हुई है नासा और इसरो के बीच 2014 में हुई थी। नासा प्रोवाइड करेगा वन ऑफ द रडार्स फॉर द सैटेलाइट, हाई रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS पेलोड डाटाबेस सिस्टम, ये सब नासा प्रोवाइड करेगा। इसरो जो प्रोवाइड करेगा ये स्पेसक्राफ्ट ले जाने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ रडार कॉल S-band रडार प्रोवाइड करेगा, लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड कराएगा, ये इसरो का है। और सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन 2022 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इंडिया इन टू द नियर पोलर ऑर्बिट। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2022 में किया जाएगा, और ये जो है एवरी 12 डेज में ये पूरे अर्थ को स्कैन करेगा। ये 3 ईयर का मिशन होगा, इमेजिंग अर्थ लैंड आइस शीट सी आइस टू गिव अनप्रेसिडेंट व्यू ऑफ प्लैनेट। और ये 3 साल में अर्थ का पूरा जो व्यू है वो बताएगी, कहाँ पे कितना बर्फ है, क्या है, ये सब कुछ देखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 28 मार्च। अब 28 मार्च को इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पे ही न्यूज़ है, तो क्या क्या डील साइन हुए हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये फाउंडेशन स्टोन वाज लेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटी फ्रॉम रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन लोगों का फाउंडेशन स्टोन के लिए इन लोगों के बीच में डील हुआ है इंडिया और बांग्लादेश में। बांग्लादेश लेक ऑफ द बंगाबंधु डिजिटल एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड बाई 2 प्राइम मिनिस्टर। और ये बांग्लादेश लेड बंगाबंधु डिजिटल एग्जीबिशन जो दोनों प्राइम मिनिस्टर, इट विल टेकन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द UN एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया गया। बोथ द लीडर्स ऑल्सो अनवील फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरियल एट आसूगंज में। एक मेमोरियल बन रहा है जो कि इंडियन आर्मी जिन्होंने 1971 में लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश में जान गंवाई थी उसको ये लोग होमेज देने के लिए एक मेमोरियल बना रहे हैं आसूगंज में।
इंडिया 109 लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस बांग्लादेश को गिफ्ट किया, साथ ही साथ 1.2 मिलियन डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। 3 बॉर्डर हार्ट्स बनिंग ओपन होंगे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। अभी इस विजिट में जो अनाउंसमेंट मेड किया गया कि एक मिताली एक्सप्रेस जो है वो चलेगी ढाका से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। प्राइम मिनिस्टर ने 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से ज्वाइन करने का न्योता दिया है। 1000 सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप स्टार्ट करी गई, जो बांग्लादेशी स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, उनको दी जाएगी। बंगा बंधु चेयर विल बी एस्टेब्लिश एट दिल्ली यूनिवर्सिटी टू फैसिलिएट बांग्लादेश स्टडीज, है ना। एक बंगा बंधु चेयर का व्यवस्था किया जाएगा वहाँ पे, इस्टेब्लिश किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर बोथ कंट्रीज एग्री टू स्टार्ट न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर। ये लोग स्पेस सेक्टर में भी काम करेंगे साथ में। बोथ कंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA में कंट्रीज दोनों हैं वो एग्री कर गई। अब CEPA में क्या हुआ कि एक दूसरे से जो ट्रेड होगा, अभी बांग्लादेश और इतना ट्रैफिक है कि ब्राज़ील भेजना सामान ज़्यादा आसान है बांग्लादेश भेजने से, तो ये लोग CEPA पे भी काम करने वाले हैं ताकि इन दोनों के बीच में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसमें इंक्रीजमेंट हो ट्रैफिक्स को कम करके। जो मोदी ने जो जगह विजिट कराया हुआ है, शेख मुजीबुर रहमान का बर्थ प्लेस तुंगीपारा, वहाँ पे जाके होमेज भी दिया बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है मुजीबुर रहमान उनको। साथ ही जेरोसवरी टेंपल जो सतकीरा में है वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा किया था। वहाँ पे इन्होंने साइक्लोन सेंटर कम कम्युनिटी हॉल का बोला अनाउंस किया है कि वो बनाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये ओराकुंडी विलेज को भी ये मिले हैं, जाके ओराकुंडी जगह पे भी जाके ही ऑल्सो विजिटेड ओराकुंडी वेयर ही वॉज गिवन कम्युनिटी रिसेप्शन। ही पे रिस्पेक्ट टू हरमिंदर इन ओराकुंडी एंड एड्रेस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मथुआ कम्युनिटी। अभी ओराकुंडी में जाके मथुआ कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस किया, तो ये सब हुआ था। फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। अब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर हैज़ अनाउंस कंपनीज विल हैव टू, अब कोई भी कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो लोग क्या डील कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के केस में। अब वर्चुअल करेंसी एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डीलिंग होंगे वो इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब जो भी कंपनी नाउ एक एस्टिचुअरी जो फाइनेंशियल फीलिंग्स होगा, एनी प्रॉफिट लॉस जो भी ट्रांजेक्शन हुआ क्रिप्टो करेंसी में उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई भी अमाउंट ये लोग लेते हैं रिपोर्टिंग डेट में, एडवांस लेते हैं या फिर डिपॉजिट लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, वो इनको बताना पड़ेगा। सम एक्सपर्ट हैव सेड दैट दिस डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इंडिकेट गवर्नमेंट इज ओपन टू रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी स्टेट ऑफ बैनिंग देम। अब इससे ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया है बल्कि उसको रेगुलेट करना है। अब गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखती है, तो इन्होंने एक बिल बनाया क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अब ये रेगुलेशन में इन्होंने प्रोहिबिट किया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, वाइल्स ये लोग जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको ये लोग रोकेगा, और साथ ही एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगा जहाँ पर ये लोग ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। However, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने बोला कि Central will take the calibrated approach of cryptocurrency and will not close the window on experimentation with cryptocurrency. Cryptocurrency को बैन नहीं किया जा रहा है, उनको बस रोका जाएगा ताकि उनका misuse नहीं हो और जो कुछ भी वो पूरा का पूरा transparent हो और एक खुद का official digital currency भी develop किया जाएगा। फिर आता है Indian Rhinoceros। अब इंडियन राइनोसोरस ये बीजेपी जो भी असम इलेक्शन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज कर रहा है, वो अपने को नहीं जानने का है। इंडियन राइनोसोरस को बोला जाता है प्राइड ऑफ असम, है ना। अब ये जो प्राइड ऑफ असम मूवमेंट 1979-1985 के बीच में हुआ था, ये जो पॉलिटिकल प्लेयर असम के निकल के आए हैं कंट्रोल इंडिजिनियस पीपल, ठीक। अब राइनो का जो सेंसस 2018 में 2413 राइनो काजीरंगा में है सबसे ज़्यादा। अब ये इवन कंटेस्टिंग इन बोकर कलिवर द टू कंस्टिट्यूएंसी दैट कवर मोस्ट काजीरंगा पार्ट सीज दे विल प्रोटेक्ट राइनो। अब वहाँ का जो मैनिफेस्टो उसमें है कि हम लोग राइनोसोरस को बचाएंगे पॉलिटिकली है, वो अलग है। जो इंडियन राइनोसोरस हैं उनको बोला जाता है इंडियन राइनोसोरस, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस और ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। ये राइनोसोरस का स्पीसीज जो है ये नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इनको हम लोग IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में डालते हैं इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ IUCN के लिस्ट में हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब ये जो पोबित्रो
पोबितोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, पोबितोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम है, इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन राइनोसोरस का संख्या है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, उसके रेड लिस्ट में इसको डाला गया है, ठीक है, वनरेबल। अब प्रोडक्शन लिंक्ड, अब PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। अब ये था गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने बोला था कि 2011-20 और 21 से जो भी प्रोडक्शन में आपका सरप्लस होगा उस पर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, है ना। आप लोकल लोगों को बोला था, लोकल कंपनीज को, कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ग्रो करोगे तो आपको उस केस में जो गवर्नमेंट है वो आपको इंसेंटिव देगी। तो PLI स्कीम में और सेक्टर हैव बीन अनाउंस सिंस अप्रैल, बोला गया था कि अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके हिसाब से 2021 का जो अप्रैल का साल है, ये फर्स्ट ईयर होना चाहिए था 2020-2021 का, बट जो गवर्नमेंट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका कहना है कि 2020-2021 लॉकडाउन की वजह से उनका मैन्युफैक्चरिंग उतना हुआ नहीं, तो उसको 0 ईयर लिया जाए। अब ये PLI स्कीम क्या है, ये ऑल सेक्टर अनाउंस अप्रैल लास्ट ईयर इन्फेसाइज इंसेंटिव ऑन अचीवमेंट ऑफ अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा उससे ऊपर, मान लीजिए कि मेरे कंपनी का मिनिमम थ्रेशोल्ड 100 रुपये था और मैंने पूरी कोशिश करके 150 रुपये का सेल कर दिया, तो वो जो 50 रुपये का जो मैंने एक्स्ट्रा करा थ्रेशोल्ड से इंक्रीजमेंट किया, तो उसे मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो इस तरह का स्कीम था जो कि अप्रैल फर्स्ट फाइनेंशियल 2021 में कंसिडर करना था उसको बेस ईयर की तरह, है ना। तो वही बोलना है कि बेस ईयर, क्योंकि पिछले बार लॉकडाउन की वजह से जो उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो ये बेस ईयर को 0 ईयर माना जाए और नेक्स्ट ईयर को ईयर वन मान के बनाया जाए। तो ये 2020-2021 को कंसिडर जो ईयर से सेल्फोन मोकर को हेल्प मिलेगा। तो जो कैलकुलेशन होता है इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का, है ना, सेल्स का, मैन्युफैक्चरिंग गुड, नेट ऑफ द टैक्सेस एंड देयरफॉर इंसेंटिव, ये 0 ईयर करने पे इन लोग का जो कैलकुलेशन होगा वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। क्यों होगा ये मैंने बता ही दिया, ये उतना उसी का है। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इंडिया जो है उसने प्रॉमिस किया है कि ये 2 लाख डोज जो COVID-19 वैक्सीन का है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स UNPKF को देगा, ठीक है, जो कि कोपेनहेगन में इसका सेंडिंग अ शिपमेंट बाउंड फॉर कोपेनहेगन में इसको भेजा जा रहा है। UN पीस कीपर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू हेल्प कंट्रीज मेक द डिफिकल्ट अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। जो वैसे देश जहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे ये लोग UN पीस कीपिंग फोर्स जाके शांति व्यवस्था कायम करने में हेल्प करती है। अब ये जो UNCP है, इनका जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शियलिटी और नॉन यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। ये लोग फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं, जो कि वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनका कंसेंट होना चाहिए, जो भी पोलिटिकल पार्टीज है सारे का सारा कंसेंट होना चाहिए। नहीं कि अब इंडिया में आया कोई बोले कि हम BJP ने बुलाया, कांग्रेस को बोले कि नहीं BJP ने जानबूझ के बुलाया हम लोग को दबाने के लिए, ऐसा नहीं, दोनों का कंसेंट होना चाहिए और ये पार्शियल नहीं होते, ठीक है। अब रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर गिव्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। जो भी है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है UN, ये सारे देशों को मिला के UN पे पड़ा हुआ है। फॉर दिस रीजन इंटरनेशनल कम्युनिटी यूजली लुक फॉर सिक्योरिटी काउंसिल टू ऑथराइज पीस कीपिंग ऑपरेशन थ्रू चैप्टर 7 ऑथराइजेशन। तो इस कारण क्या होता है, पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है ताकि वहाँ पे जो भी कंफ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। अभी करेंटली 12 UN पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। UN पीस कीपिंग को इवन की नोबेल प्राइज ही मिला है। UN पीस कीपर्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज ब्लू बेरेट और ब्लू हेलमेट। अब ये लोग अब ब्लू हेलमेट पहनते हैं इसलिए इनको ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट से बोला जाता है। फिर हैपनिया इंडिका और हैपनिया बुलाटा, ये 2 स्पीसीज सीवीड का है जो कि फाउंड हुआ है, ठीक है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के बायोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड किया है। अब नेम हिपनिया इंडिका, ये इंडिया के नाम पे है, और हिपनिया बुलाटा बिकॉज ऑफ द बैलिस्टर लाइक मार्क्स ऑन इट्स बॉडी बुलेट। अब ये जो सीवीड्स है एज अ पार्ट ऑफ जीनस हिपनिया और रेड सीवुड है। अब जो हिपनिया इंडिका वॉज डिस्कवर्ड, ये कन्याकुमारी में मिला है सीवीड, तमिलनाडु में सोमनाथ, है ना, शिवराजपुर गुजरात में मिला है। हिपनिया बुलाटा जो है ये कन्याकुमारी दमन दीव। अब ये जो है इंटर टाइडल रीजन कोस्ट में होता है समर्स ड्यूरिंग हाई टाइड। अब ये ऐसा एरिया है जो कि हाई टाइड में डूब जाता है और लो टाइड में क्या होता है ये सूखा रहता है, उस एरिया में ये सीवीड सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ये जो जीनस हिपनिया कंसिस्ट ऑफ
कैलकेरियस इरेक्ट ब्रांच रेड सीवुड, ये जो होता है ये रेड सीवुड की तरह होता है। देयर आर 61 स्पेसीज, टोटल इसका 61 स्पेसीज है जिसमें 10 इंडिया में मिलता है। विथ आवर टू न्यू स्पेसीज द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नाउ वुड बी 63, टोटल अब 63 हो गया। अब चाइना ईरान ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया, जिसमें चाइना ने बोला कि आप हमें तेल का जो है वो तेल भेजते रहिए और हम आपको बाकी का सामान भेजते रहेंगे। अब ये अवेलेबल इट इंक्लूड पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कंपोनेंट है ना, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी इफेक्टिव इन डीपनिंग रिलेशन एंड वुड एस्टेब्लिश ब्लूप्रिंट। तो ये बस वही है बैकग्राउंड में न्यूक्लियर डील और सैंक्शन। अब जो ईरान है उसमें बहुत सारा सैंक्शन भी रहता है क्योंकि ये न्यूक्लियर जो भी वे फॉरवर्ड करने के कारण, तो चाइना ने इसको बैक करा है, बैक चाइना टू बैक ईरान विच काउंट्स ऑन बीइंग इट्स लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर एज इट डील्स विथ काउंटिंग वेट ऑफ सेंक्शन। अब यूएस जिस पे सेंक्शन डालता है तो जो यूएस जिस पे सेंक्शन डाला है चाइना उससे दोस्ती भी करता है। अब चाइना और रशिया दोनों ने यूएस को बोला कि अनकंडीशनल रिटर्न टू द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एज सुन एज पॉसिबल एंड रिवोक यूनिलैटरल सेंक्शन अगेंस्ट ईरान। ये प्रेशर भी करती है कि ये ईरान पे जो भी सेंक्शन है उसको हटाया जाए। तो इस तरह का कुछ चल रहा है। तो इंडिया को कंसर्न होना चाहिए कि हमारा ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं और ईरान का चाइना के साथ अच्छा हो रहा है, तो हम लोग को ये सब कुछ कंसीडर करके रखना पड़ेगा। 29 मार्च को हैप्पी होली था तो उस दिन का कोई न्यूज़ है नहीं। 30 मार्च का अब जुडिशियल रिव्यू ऑन कुरान। अब सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने एक पिटीशन डाला था, उन्होंने बोला था कि कुरान के 26 वर्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए और नॉन इफेक्टिव कर दिया जाए। 26 ऐसी बातें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने बोला कि इंडिया में हम लोग अंडर इंडियन लॉ ओनली अ लॉ कैन बी चैलेंज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम लोग किसी लॉ को ही चैलेंज कर सकते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आर्टिकल 13(3) डिफाइन करता है कि आखिर लॉ किसको बोलेंगे, तो ये कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग अ टेरिटरी द फोर्स ऑफ लॉ। एक ऐसे एरिया जहाँ पे कोई भी ऑर्डिनेंस हो, लॉ हो, बाय लॉ, रूल, ये सब एप्लीकेबल, उसको हम लोग एक लॉ मानेंगे। अब लॉ इन्फोर्स, आखिर लॉ इन्फोर्स को कौन बनाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स लॉ इनेक्टेड बाई लेजिस्लेचर। कोई भी लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है किसी अथॉरिटी को, अगर वो कोई लॉ बना रहा है, कोई रूल बना रहा है, कोई सेट ऑफ गाइडेंस बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ इन फोर्स, और उसी को हम लोग अमेंड कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। दिस डिफाइन, अब ये क्या करता है कि जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो तो कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाया, कुरान को बैठ के कहीं पे संसद में नहीं बनाया गया, गीता को संसद में नहीं बनाया गया, तो उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसको हम लोग लॉ नहीं मानेंगे। वो बेस ऑफ लॉ हो सकता है बट दैट इज इटसेल्फ इज नॉट लॉ, तो उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते खुद से कि हम लोग कुरान को चेंज कर दें, हम लोग गीता को चेंज कर दें, हम लोग नहीं चेंज कर सकते। कुरान से जो कुरान के कारण जो लॉ बने हैं कुरान को बेस मान के, हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं बट कुरान में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। गीता में लिखा हुआ है उसके उससे रिलेटेड कोई अगर लॉ बन गया, हम लोग उस लॉ को चेंज कर सकते हैं, गीता में कुछ लिखा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉ है ही नहीं। तो ये आर्टिकल 3 में बोला गया, आर्टिकल 13 में तो इस तरह से जो लॉ बने हुए हैं, हदीस, प्रॉफिट सेइंग, इजमा है ना, कियास, उर्फ, इस्तिहान, इस्तिसिल्ला, इन लोग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटा दिया गया। और उसके बाद पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में हर एक पार्टी अपना अपना जो बूथ होता है वहाँ पे एक लोकल आदमी को अपना पोलिंग एजेंट बनाता है, जो कि देखता है कि सही से इलेक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, उसको जो ईसी के ही तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो उसको पोलिंग एजेंट बोलते हैं। तो पोलिंग एजेंट होता क्या था कि वो जहाँ पे उसको अपॉइंट किया जाता, या तो वो उसी बूथ का मेंबर होता था या फिर उसके आसपास का वो वोटर होना चाहिए था। बट अभी जो बंगाल इलेक्शन हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप किसी को कहीं पे भी पोलिंग एजेंट बना सकते हो, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ऐसा करने से जो इलेक्शन है उसमें ये सब आएगा, तो इस तरह का होता है। तो रूल ऑफ पोलिंग एजेंट यही हो गया कि एज पर इलेक्शन कमीशन रूल अ पोलिंग एजेंट शुड बी फैमिलियर विद द रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट इलेक्शन यूजिंग ईवीएम वीवीपैट, बता ही दिया। टुवर्ड्स दिस एंड द पोलिंग एजेंट अटेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी वहाँ का जो ऑफिसर डेमोन्स्ट्रेशन करेगा उसमें वो पार्ट लेगा।
जो न्यू रेगुलेशन है तो इसमें है कि आप किसी को भी नोमिनेट कर सकते हो पोलिंग एजेंट में, ठीक है। अर्लियर्स में था कि जो एडज्वाइनिंग बूथ हो उसी पे काम करता हो उसी को बना सकते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस ने इसको बोला है कि मोटिवेटेड है, बायस्ड है, ऐसा है। फिर हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोडेस, अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना एस जयशंकर, ये 10 दिन पहुँचे 3 डे के विजिट पे तजिकिस्तान में, वहाँ पे अटेंड करेंगे 9th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस है ऑन अफगानिस्तान। अभी हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोग्रेस HOAIP है ना, हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस, ये इनिशिएटिव है अफगानिस्तान और तुर्की का और बाकी जो भी एशियन कंट्रीज जो सीरिया के हैं उनका, जो कि 2 नवंबर 2001 में स्टार्ट हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म है जो कि रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉपरेशन है, ताकि हम लोग अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीज़ हैं, अब एशियन कंट्रीज़ वो कैसे आगे आएंगी, वो ये सब इसमें आता है, ठीक है। सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। फिर है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ये महेंद्र गिरी को मिला है, ठीक है, जो राजा जी टाइगर रिजर्व के हैं रेंजर हैं। ये पहले एशियन रेंजर हैं जिनको, ये एशियन रेंजर हैं जिनको ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। ये अवार्ड है, ये 10 प्रोफेशनल अनाउंस फॉर 10 प्रोफेशनल अक्रॉस द वर्ल्ड बाई द इंटरनेशनल यूनियन है ना, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया मिलके देती है। डेवलप थ्रू अ कोलाबोरेशन बिटवीन IUCN, WCPA, इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एलाइज। हाँ, ये 2020 में इस अवार्ड को बनाया गया था और ये पहली बार किसी एशियन को मिला, और जिस एशियन को मिला उनका नाम है महेंद्र गिरी। अब एग्ज़ाम वॉरियर का नया वर्जन, ये PM मोदी की बुक है उसका नया वर्जन आया, जिसमें एग्ज़ाम के स्ट्रेस पे बात की गई है। फिर साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, अब 1,050 करोड़ जो रुपए हैं वो दिए गए हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ताकि जो साबरमती रिवर का जो फ्रंट डेवलपमेंट है उस पर काम किया जा सके। तो काफ़ी काम हो रहा है गुजरात में टूरिज्म पे, तो इसी तरह काम हर एक स्टेट में होना चाहिए ताकि जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। अब साबरमती रिवर फ्रंट इज़ द वाटर फ्रंट बींग डेवलप्ड एलॉन्ग बैंक ऑफ साबरमती रिवर इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर का जो बैंक है वहाँ पे रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है ना, बैठने का जगह, पार्क वार्क है ना, इसका जो इस तरह का बनाया जाएगा कि सुंदर लगे, लोग वहाँ पे जाएँ। अभी 1960s में ही किया गया था प्रपोज, ठीक है, लेकिन 2005 में बनना शुरू हुआ। अब इसके लिए क्या हुआ, वाटर को चैनलाइज किया, चैनलाइज का मतलब कि दोनों तरफ से उसको घेरा जाएगा ताकि वो उसका जो विड्थ है वो फिक्स किया जा सके। तो 263 मीटर का जो विड्थ है वो उसका फिक्स किया गया। अब ये फिक्स करने की वजह से 2004 हेक्टेयर का जो लैंड है उसको रिक्लेम किया गया है ना, 11 किलोमीटर में 2004 हेक्टेयर का जो लैंड है वो रिक्लेम हो गया। अब साबरमती रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ये अरावली रेंज के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये अरावली रेंज से निकलती है और गल्फ ऑफ कम्बत है ना, गल्फ ऑफ कम्बत अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है। इस क्रम में ये 371 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर आता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN, ये 14 डिजिट का एक नंबर होगा जो कि किसी भी ज़मीन को मिलेगा। हर एक ज़मीन का एक अपना 14 डिजिट का नंबर होगा है ना। अब ये नंबर होगा, ये इंटीग्रेटेड होगा डाटाबेस से है ना, बैंक रिकॉर्ड से, आधार नंबर से, ये सब से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो ULPIN स्कीम है ये 10 स्टेट में लॉन्च किया गया है ना, और 2022 तक इसको पूरे इंडिया में पैन लेवल पर लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर ऑफिशियल की बात माने, हु डिडंट विश टू बी नेम्ड डिस्क्राइब्ड इज आधार फॉर लैंड, इसको लैंड का आधार कार्ड बोला जा रहा है। अ नंबर दैट वुड यूनिकली आइडेंटिफाइड, ये नंबर क्या होगा कि ये हर एक ज़मीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, सर्वे कर सकता है ना। अभी ये आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा, अब हम लोग आधार करते हैं तो आईसेक फिंगरप्रिंट, उसी तरह ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, किसी भी लैंड का अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट पता है तो वो लैंड एग्जैक्ट कहाँ पे आप बता सकते हो। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा। अब ये जो स्टेप है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में आता है ना, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है उस पर, ये बहुत बड़ा स्टेप है। जो डिपार्टमेंट इस इनिशिएटिव को लिया है वो है NGDRS, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिस्टम, ULPIN है ना, लिंकिंग कोड टू लैंड रिकॉर्ड्स, इंटीग्रेशन कंसेंट बेस्ड ऑन आधार नंबर, ये सब होगा। कब से कब तक होगा, 2020 2021 से लेकर 2023 2024 तक होगा, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है।
तो ये तो 30 मार्च था, अब हम लोग लास्ट चल रहे हैं 31 मार्च। अब 31 मार्च का सबसे पहला था वज्र प्रहार 2021। अब ये 11th एडिशन है, जो कि इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ये दोनों के साथ में होता है वज्र प्रहार, जो कि स्पेशल फोर्स जो है ट्रेनिंग लेती है बकलोह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी ज्वाइंट एक्सरसाइज बाई स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ कंट्रीज इज कंडक्टेड अल्टरनेटिवली, ये एक बार इंडिया में होती है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सपीरियंस इन एरियाज सच एज ज्वाइंट मिशन प्लानिंग, ऑपरेशनल टैक्टिक्स कैसे करते हैं। तो स्पेशल फोर्सेज का होता है जो बोथ नेशन का पार्ट लेते हैं। फिर खबर है क्यूलेक्स मॉस्किटोज। अब क्यूलेक्स मॉस्किटोज या कॉमन हाउस मॉस्किटोज जिसको बोलते हैं, ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा फिर से फैलने लगे हैं। अब ये वार्मर टेम्परेचर जो है इसका मेन रीज़न होता है इन मॉस्किटोज़ का, हल्का गर्मी होने पे ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगते हैं। ये सॉफ्ट वाटर में, ये सॉरी फ्रेश वाटर में ये निकलते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो को बोला जाता है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस को फैलाने का काम करते हैं, है ना। कहाँ गया, अब ये फ्लाई करेंगे 1 से 1.5 किलोमीटर तक। अनलाइक एजीफिटी मॉस्क्यूटो है ना, विच स्प्रेड डेंगू चिकनगुनिया ब्रीड इन क्लीन वाटर, क्लोज मॉस्क्यूटो ब्रीड अनक्लीन। ये जो क्लोज वाटर जो है ये अनक्लीन डर्टी वाटर में ग्रो करता है, जबकि एडीस एजीफिटी मॉस्क्यूटो जो कि चिकनगुनिया और बाकी डेंगू को स्प्रेड करता है, ये क्लीन वाटर में। तो जो भी वहाँ पे सीवरेज उस सब पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है कि वहाँ पे जो होता है ना कि ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। फिर आता है आनंदम, द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। अब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस IIM जम्मू में। अब पढ़ाई के साथ साथ में एक नया करिकुलम भी ऐड किया गया कि आप लोग आनंद कैसे ले सकते हैं ना, ये उस बेसिस पे है जिसमें इंटेलेक्चुअली लोगों को कि मानसिक शांति पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा एक करिकुलम है, जो कि IIM जम्मू में किया गया, जो कि लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीने का तरीका बताएगा। फिर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिजिटली पार्टिसिपेटेड इन अ पैनल डिस्कसिंग वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट वर्चुअली हुआ था होप। अब जो ये होप कंसोर्टियम है ना, कंसोर्टियम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ बैंक पीपल्स ज्वाइन टुगेदर फॉर अ पब्लिक वर्क, है ना, उसको कंसोर्टियम बोलते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक समिट है जो कि 30 मार्च 2021 को किया गया था, इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने, जो कि इन्हेंस करता है वर्ल्ड अप्रोच टू टैकल COVID-19, कैसे वर्ल्ड COVID-19 को टैकल करेगा और एक हेल्थियर फ्यूचर को इंश्योर करेगा। नाकाडुबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन, ये इतना लंबा चौड़ा नाम एक बटरफ्लाई का है, ठीक है। ये बटरफ्लाई को डिस्कवर किया गया अगस्था मलाई वेस्टर्न घाट में, 10 साल पहले डिस्कस किया गया था, अब इसको जगह मिल गया है जर्नल ऑफ थ्रेटन टेक्सा। अब ये टेन न्यू टेक्सानोमी, टेक्सानोमी में होता है कि लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ अ पार्टिकुलर फैमिली, उसको हम लोग टेक्सानोमी बोलते हैं। जैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज बताएं तो पोता से लेके परदादा छरदादा तक का जो होता है ना उसको हम लोग टेक्सानोमी बोलते हैं, तो उसमें इसको अब जगह मिल गया। अब ये जो न्यू टेक्सोन है ये लाइकानेड बटरफ्लाई के ग्रुप का आता है, ठीक है, बिलोंग्स टू नाकाडुबा जीनस, ठीक है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने की है क्या है ना सीवन, तो ये इसका बटरफ्लाई का प्रजाति है। अब लाइन ब्लू जो है ये स्मॉल बटरफ्लाइज होता है, जो कि लाइकानिडे में पाया जाता है, इंडिया श्रीलंका है ना, होल साउथ ईस्टर्न एशिया में मिलता है ये। फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई का स्पेसिस जो है वो ऑल इंडिया रिसर्च टीम को मिला है, जिसमें सारे इंडियंस थे, वेस्टर्न घाट में उन्होंने खोजा है। फिर बोलते हैं लेपिडो लेपिडोटेरोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी कंसर्निंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मोथ एंड दीज सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाईज और मोथ का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेपिडोटेरोलॉजी, लेपिडोटेरोलॉजी है। जो समवन हु स्टडीज इन दिस फील्ड इज कॉल्ड लेपिडोपथेरिस्ट, लेपिडोपथेरिस्ट है, आर्किकली और ऑरेलियन, ये अजीब अजीब नाम रहते हैं। अब जो फोक्स वैगन है उसने अपना नाम वॉल्ट्स वैगन कर लिया है, वॉल्ट्स वैगन ऑफ अमेरिका, ताकि ये स्विफ्ट जो दिखा सके ये कि जो फ्यूचर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, तो ये वॉल्ट्स वैगन ने अपना नाम
कर लिया है। अब मोबीक्विक, ये एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसमें 10 करोड़ यूज़ का डाटा है वो लीक हो गया और इसको डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। तो ये सब था, वीडियो कुछ लंबा हो गया होगा, तो अगली बार से जो वीडियो आएगा वो 3-3 डेज़ का आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।